ओके, तो पार्टनरशिप स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द वेरी बेसिक। कल हमने ऑलरेडी एक इंट्रोडक्शन कर लिया था कि पार्टनरशिप क्या होती है, ऑलमोस्ट बहुत डिटेल में तो नहीं, कुछ सेक्शन को डिटेल में किया था, लेकिन फिर एक ओवरव्यू जरूर ले लिया था। तो बेसिक चीजों को समझते हुए हम आगे चलते हैं। हमने ऑलरेडी ये बात कर चुके हैं कि पार्टनरशिप जो है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कौन से ईयर का है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट इट्स ऑफ 1932 विद इफेक्टिव कौन सी डेट से है? व्हाट इज द डेट? दैट इज फर्स्ट ऑफ अक्टूबर। नाइनटीन ओके, सेक्शन 69 का भी इफेक्टिव हुआ था। आफ्टर 1 ईयर 1 अक्टूबर 1933 ओके, पार्टनरशिप में कितने लोग हो सकते हैं? मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम 2 मैक्सिमम 50। 50 हो सकते हैं। ओके, पार्टनरशिप में टोटल सेक्शन कितने हैं? 74 चैप्टर्स कितने हैं? सेवन शायद सेवन है। हाँ तो सेवन या जी, एट बताइए। 7 या 8? आंसर तो गड़बड़ हो जाएगा पेपर में, ऐसे कैसे चलेगा? सर, एक सप्लीमेंटरी सर एट। हाँ जी, ये याद रखने हैं, यहाँ पे गड़बड़ होना नहीं चाहिए अब। ठीक है, 8 चैप्टर हैं। जो पहला जो चैप्टर है उसमें कितने सेक्शंस हैं? थ्री हाँ जी, थ्री 3 सेक्शंस हैं। चैप्टर नंबर 2 जो है वो उसमें कितने सेक्शंस हैं? फटाफट हाँ जी, 4 to 8 है। ये चैप्टर आज हम कंप्लीट कर लेंगे, 4 to 8। ठीक है, सेक्शन नंबर 4 to 8। उसके बाद तो फिर वो म्यूचुअल लाइबिलिटीज वाले चैप्टर्स हैं, उसके बाद फिर पार्टीज, आई मीन लाइबिलिटी थर्ड पर्सन है, विल डू दैट लेटर ऑन। तो चैप्टर नंबर 2 पे हम कल भी थे और हम आज भी इसी को डिटेल में करेंगे, विद केस लॉस करेंगे। चैप्टर नंबर 2 में सेक्शन 4 क्या कहता है? व्हाट इज सेक्शन 4? सर इट डिफाइंस पार्टनरशिप पार्टनर फॉर्म एंड फॉर्म नेम। पार्टनरशिप क्या होती है? पार्टनरशिप, पार्टनर्स क्या, कौन कहलाते हैं? पार्टनरशिप फर्म क्या होगी? ठीक है, और आज हमने एक ओवरव्यू लिया था, लेकिन फिर भी हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। ये तो चलो बेसिक सी बातें थी। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। क्या पार्टनरशिप एक्ट पूरी इंडिया पे अप्लाई होगा? यस ओके, डेफिनेशन जो है बिजनेस की, डेफिनेशन कहाँ दे रखी है? टू बी किस तरीके का बिजनेस होना चाहिए? हाँ सर इट इंक्लूड्स सर, ट्रेड ऑक्यूपेशन एंड प्रोफेशन। ट्रेड, ऑक्यूपेशन एंड प्रोफेशन। ओके, चलो यही इंपॉर्टेंट है, बाकी एक्ट ऑफ द फर्म तो हम देख ही लेंगे। 2A में दे रखा है एक्ट ऑफ द फर्म, डेफिनेशन क्लॉज में। अच्छा, जो चीज यहाँ डिफाइन जो नहीं है, जो चीज यहाँ डिफाइंड नहीं है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में, उसको हम रेफरेंस के लिए कहां से पढ़ेंगे? कौन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सा सेक्शन कहता है? सर 2E 2E के साथ और कुछ भी है? रेडविज सेक्शन कौन सा होगा? सेक्शन 3 भी पढ़ते हैं इसके साथ। ठीक है, एप्लीकेशन द प्रोविजन ऑफ द एक्ट ऑफ 1872, सेक्शन 3 भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, ये हमारा हो चुका है, तो हम स्टार्ट कर लेते हैं क्विकली। पार्टनरशिप का चैप्टर नंबर 2, डीलिंग विद द नेचर ऑफ पार्टनरशिप, और यही इसका सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसके बाद तो बहुत इजी है। अच्छा, एक बात बताओ, माइनर पार्टनर हो सकता है? यस ओनली टू द माइनर, बेनिफिट ओके, माइनर पार्टनर भी होता है या नहीं होता, या पार्टनर कहना ठीक है माइनर को, यस सर या ऐसा कहना ठीक होगा कि माइनर कैन बी एडमिटेड एज द बेनिफिशियरी टू दी पार्टनरशिप? मोर मोर अप्रोप्रिएट एप्रोप्रिएट कौन सा है? द सेंटर ही इज एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ द फर्म। बेनिफिट ऑफ दी पार्टनरशिप में एडमिट किया जा सकता है, बट अल्टीमेटली देखा जाए उसको पार्टनर तो हम बना ही नहीं सकते। तो हम लोग ऐसे बोलते हैं कि माइनर कैन बी ए पार्टनर, बट इससे बेटर होगा माइनर कैन बी एडमिटेड फॉर द बेनिफिट, एज अ बेनिफिशरी कैन बी एडमिटेड इन द पार्टनरशिप, बट नॉट एज अ
पार्टनर, ये प्रॉपर एक सेंटेंस यूज हुआ है। अगर आप सेक्शन 30 को भी पढ़ेंगे उसका टाइटल भी यही गया था, मार्जिनल हेडिंग भी ऐसे ही लिखी है उसको, कोई पार्टनर वर्ड यूज नहीं करा उसके लिए। ओके सो लेट स्टार्ट विद द चैप्टर नंबर 2 व्हिच इज डीलिंग विद द नेचर ऑफ पार्टनरशिप। नेचर ऑफ पार्टनरशिप, किस तरीके की पार्टनरशिप होगी, सेक्शन इंपॉर्टेंट रहेंगे 4 to 8। सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 4 की, जिसमें डील किया गया है कि पार्टनरशिप क्या है। ये इंपॉर्टेंट है, केस लॉस के साथ पढ़ेंगे, देन ओनली वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द रियल एसेंस ऑफ द मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। बेरेट क्या कहता है, पार्टनरशिप क्या है, पार्टनर क्या है, फर्म क्या है एंड फर्म नेम। सेक्शन 4 में लिखा है डेफिनेशन ऑफ द पार्टनरशिप, पार्टनर, फर्म एंड फर्म नेम। देखो पहले तो हम एक बार इसको वैसे ही पढ़ लेते हैं, बेरेट क्या कहता है, देन विल स्टडी थॉरली। ठीक है, एक बार बेरेट देख लेते हैं। ओके नाउ सेक्शन 4 इन ऑन योर स्क्रीन। नाउ डेफिनेशन ऑफ द पार्टनरशिप, पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप, पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन पर्संस। एक ऐसा रिलेशन है जो लोगों के बीच में है, पर्सन वर्ड यूज हुआ है, दैट मींस एटलीस्ट कम से कम दो लोग तो होने चाहिए। हु हैव एग्रीड, जो लोग सहमत है, किस चीज के लिए सहमत है, टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। बिजनेस का जो प्रॉफिट होगा वो शेयर करेंगे, एंड कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। अगर आप देखो तो मैंने इसमें इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया डेफिनेशन को। सबसे पहले पार्टनरशिप का एक रिलेशन है, तो फर्स्ट पॉइंट इज देयर मस्ट बी रिलेशन। कैसा रिलेशन होना चाहिए वो मैं भी आपको बताता हूँ। देयर मस्ट बी रिलेशन बिटवीन द पर्संस, यानी एटलीस्ट देयर मस्ट बी 2 or more पर्सन होने चाहिए हु हैव एग्रीड, जो सहमत हो, यानी एग्रीमेंट होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए बीच में। शेयरिंग ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, शेयरिंग ऑफ द प्रॉफिट करेंगे, बिजनेस करेंगे, लेकिन बिजनेस कैसा होना चाहिए, बिजनेस को या तो एक इंसान चला ले या सारे लोग मिलके चलाएं, लेकिन चलेगा सबके लिए, एक्टिंग फॉर ऑल। सो वी कैन से देयर द 5 एसेंशियल फॉर द डेफिनेशन ऑफ द पार्टनरशिप, 5 एसेंशियल्स बनते हैं। इन 5 एसेंशियल्स को जो समझ जाएगा उसके लिए पार्टनरशिप कुछ भी नहीं है। इन 5 एसेंशियल्स पे ही हम अपना सेक्शन 4 बेस्ड है, इसी को समझेंगे तो काफी केस लॉस के साथ समझेंगे, क्योंकि शेयरिंग ऑफ द प्रॉफिट जो है, कल हमने बात भी की थी कि जब 2 or 2 से ज्यादा लोग मिलकर एग्री करते हैं किसी बिजनेस को करने के लिए, बिजनेस का वही डेफिनेशन जो टीओपी है, ट्रेड ऑक्यूपेशन एंड प्रोफेशन। अगर वो इस तरीके का ट्रेड करते हैं, ऑक्यूपेशन करते हैं या प्रोफेशन चलाते हैं 2 or 2 से ज्यादा लोग मिलकर, उनका पर्पस क्या है, बिजनेस करेंगे, शेयर ऑफ द प्रॉफिट, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट करेंगे, और शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट क्या, ऑफ कोर्स ये बातें हमने कल ये भी पढ़ा था कि शेयरिंग ऑफ द प्रॉफिट जो है एक प्रेमे फसाई, कहीं ना कहीं दिखने में ऐसा लगता है कि पार्टनरशिप रही होगी। आज के इस लेक्चर में हम ये भी देखेंगे कि शेयरिंग ऑफ द प्रॉफिट क्या अपने आप में एक क्राइटेरिया है टू फाइंडिंग आउट द वेदर देयर इज अ रिलेशनशिप ऑफ पार्टनरशिप इज देयर और नॉट, पार्टनर्स हैं भी या नहीं है। इट कैन बी द क्राइटेरिया, ऑफ कोर्स ही बात है, क्राइटेरिया हो सकता है शेयरिंग ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, बट दैट इज नॉट द सोल क्राइटेरिया। बट सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है म्यूचुअल एजेंसी का जो कॉन्सेप्ट है, दैट इज डीलिंग अंडर दिस फ्रेज कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ये इंपॉर्टेंट होगा म्यूचुअल एजेंसी, कई सारे डाउट्स होंगे आपके यहीं क्लियर हो जाएंगे। तो ये पार्टनरशिप के डेफिनेशन एज पर सेक्शन 4 है। और अगर हम आगे पढ़े, पर्सन हु हैव एंटर इनटू पार्टनरशिप विद वन अनदर आर कॉल्ड इंडिविजुअली। अगर एक की बात करें तो पार्टनर कहलाता है, एक दूसरे के साथ जो हम पार्टनरशिप में एंटर करे हैं, एक दूसरे के साथ जो हमने पार्टनरशिप में एंटर करे हैं, जिस रिलेशन में माए हैं, तो अकेले की बात करें तो पार्टनर कहलाएगा, एंड कलेक्टिवली कॉल उनको सबको मिलके कहें तो पार्टनरशिप फर्म कहलाती है, एंड द नेम जिसके अंदर वो बिजनेस चल रहा है दैट इज कॉल्ड फर्म नेम।
एक बात यह समझ लेते हैं कि पार्टनरशिप की कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, पार्टनरशिप फर्म की कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है। पार्टनर जब मिल जाते हैं तो उस रिलेशन को जिसमें म्यूचुअल एजेंसी होती है, जिसमें म्यूचुअल एजेंसी होगी वही पार्टनरशिप कहलाएगी, वही उसका फर्म के नाम से जानी जाएगी। तो यानी यहाँ पर एक बात समझ लेते हैं, क्या एक पार्टनरशिप फर्म दूसरे पार्टनरशिप फर्म के साथ पार्टनरशिप कर सकती है? आप मेरे को इसका आंसर दीजिए, क्या एक पार्टनरशिप फर्म दूसरी पार्टनरशिप फर्म के साथ पार्टनरशिप कर सकती है? बताइए जल्दी से। यस आंसर इज नो। ठीक है, यू विल बी शॉक टू सी एक पार्टनरशिप फर्म इज नॉट अ, मैंने आपको अभी बताया पार्टनरशिप फर्म इज नॉट अ लीगल सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, तो पार्टनरशिप फर्म दूसरी पार्टनरशिप फर्म के साथ पार्टनरशिप नहीं कर सकती है। बट क्वेश्चन ये अराइज होगा, क्या एक पार्टनर पार्टनर्स ऑफ अ फर्म एंड पार्टनर ऑफ अदर फर्म, दोबारा सुनना, पार्टनर्स ऑफ अ फर्म एंड पार्टनर ऑफ अदर फर्म, कैन दे कम इन टू पार्टनरशिप? द आंसर वुड बी येस। इसलिए मैं आपको यहाँ पे यही बता रहा हूँ कि देर इज नो सेपरेट लीगल एंटिटी ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म की कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है। आपने कहीं जगह लिखा भी होगा, किताबों में भी पढ़ा होगा, देर इज नो सेपरेट लीगल एंटिटी, उसका लॉजिक भी समझना जरूरी होता है, क्योंकि पार्टनरशिप है क्या? पार्टनरशिप का कोई अलग से कोई अस्तित्व नहीं है, लोग मिल रहे हैं तो पार्टनरशिप बन रही है, लोग जुड़ रहे हैं, पार्टनर जुड़े हैं तो पार्टनरशिप बन रही है, और क्योंकि पार्टनर जब अलग हो जाते हैं तो पार्टनरशिप फर्म भी खत्म हो जाती है। कंपनी से मैं कंपेयर करूं तो कंपनी का क्या लीगल एग्जिस्टेंस होता है? आंसर इज यस। कंपनी अलग होता है, शेयर होल्डर अलग होते हैं, शेयर होल्डर आएंगे जाएंगे, कंपनी बंद नहीं होती है। दोबारा सुन लीजिए, कंपनी जो होती है उसका सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, विवाय बिगोश, कंपनी कभी मरती नहीं है। कोई इंसान आएगा, शेयर होल्डर आएंगे जाएंगे, लेकिन कंपनी तो चलती रहेगी। आने जाने से कंपनी खत्म होती है? नहीं होती है। वरना पार्टनर जाने से पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाती है? डेफिनेटली हो जाती है। सो देयरफॉर देयर इज नो सेपरेट लीगल एंटिटी, एंड देयरफॉर एक पार्टनरशिप फर्म जिसकी लीगल एंटिटी है ही नहीं, क्या वो दूसरी लीगल एंटिटी के साथ जिसकी उसकी भी लीगल एंटिटी नहीं जुड़ सकते हैं? नहीं जुड़ सकते। तो ये रिलेशन जो है वो कैसा होना चाहिए? म्यूचुअल एजेंसी का होना चाहिए। तो हम इन सभी को पेरियूज करेंगे एक एक करके, तो आपको बहुत चीजें क्लियर हो जाएंगी। लेट स्टार्ट। आई होप ये समझ में आया होगा आपको पार्टनरशिप क्या है। इसी पे हमने डील करना है। सबसे पहले इंडिविजुअली पार्टनर कहलाता है, ठीक है, इंडिविजुअल इंसान पार्टनर कहलाएगा, कलेक्टिवली फर्म कहलाती है, और फर्म का नाम जो होगा जिस पे बिजनेस चल रहा है वो फर्म का नाम होगा, पार्टनरशिप जिस नाम से चल रही है। अब क्वेश्चन यहीं से राइज होगा, पार्टनरशिप क्या है? इस कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही रहेगा, व्हाट इज पार्टनरशिप? पार्टनरशिप क्या है? एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस चलाएंगे लोग मिलकर। कौन कौन हो सकते हैं बिजनेस चलाने वाले? कौन होंगे बिजनेस कौन कौन चला सकते हैं? जो लोग ट्रेड करते हैं, जो लोग ऑक्यूपेशन कर रहे हैं, जो लोग प्रोफेशन कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है जैसे दो एडवोकेट्स हैं, दो या तीन एडवोकेट्स मिलकर एक फर्म खोल लिया। आपने देखा होगा लॉ फर्म पार्टनरशिप होती है। ऑक्यूपेशन, कुछ लोगों ने व्यवसाय खोल लिया है, ठीक है, ऑक्यूपेशन ट्रेड करते हैं, बिजनेस व्यापारी हैं, दो या तीन चार लोग मिलकर व्यापार कर रहे हैं। तो पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप इस्टैब्लिश फॉर द बिजनेस पर्पस, बिजनेस करेंगे दो या दो से ज्यादा लोग। अब इसमें इतनी टेक्निकलिटीज हम पढ़ेंगे तो आप देखोगे क्या बिजनेस स्टार्ट होगा, बिजनेस स्टार्ट होगा तब जाके पार्टनरशिप है, या सिर्फ एग्रीमेंट करने से पार्टनरशिप बन जाएगी? आप और मैंने एग्रीमेंट कर लिया, आप और मैं बिजनेस स्टार्ट करेंगे, अभी कौन सा महीना, जुलाई चल रहा है, हम अगस्त से फर्स्ट ऑफ अगस्त से हम स्टार्ट करेंगे बिजनेस, क्या पार्टनरशिप हो गई? क्या एग्रीमेंट बनने से पार्टनरशिप हो जाती है? अरे बिजनेस भी तो स्टार्ट होना चाहिए, then only it will come into the existence of the partnership. Partnership तो तब अस्तित्व में आएगी जब business start होगा। Paper में लिखने से partnership नहीं बन जाती। अभी कुछ हुआ नहीं, business start हुआ नहीं,
तो क्या वो पार्टनरशिप हो जाएगी? बिल्कुल नहीं होगी। ये सारी चीजें होंगी, बहुत टेक्निकल चीजें हैं, ये हम आज के इस लेक्चर में समझ लेंगे। ठीक है, ओके। सो विल स्टार्ट विद द डेफिनेशन, जो फोर है उसी को हम पैर यूज करते हैं डिटेल में। लेट स्टार्ट सेक्शन नंबर फोर। देखो पहले एक डेफिनेशन थी, पहले जो पार्टनरशिप का जो कॉन्सेप्ट था, पहले एक लिमिटेड सेंस में हुआ करते थे। लिमिटेड सेंस इन द सेंस, कहने का मतलब है जो लोग शेयरिंग ऑफ द प्रॉफिट जो करेंगे, शेयरिंग ऑफ द प्रॉफिट पार्टनर के लाते थे। कोई इंसान अपना लेबर ला रहा है वो पार्टनर बन सकता था, स्किल लाता है वो बन सकता था, कोई इंसान कैपिटल लाता है। तो कोई भी इंसान या तो लेबर, स्किल या कैपिटल ला रहा है वो पार्टनर हो सकता था। बट दैट वॉज अ डेफिनेशन अंडर, जब हमारा ये इंडियन एविडेंस, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट था, उसमें सेक्शन 239 में इस तरीके की लिमिटेड सेंस में पार्टनरशिप की बात की गई थी। पार्टनरशिप क्या होता है, जब लोग, जब जो टू और मोर पर्सन पार्टनर जुड़ते हैं, कोई लेबर ला रहा है, कोई अपने स्किल ला रहा है, कोई कैपिटल ला रहा है, तो वो पार्टनर कहलाते थे। और कुछ कमियों की वजह से पार्टनरशिप एक्ट नया बना, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, इसकी सेक्शन 4 में डेफिनेशन की बात की गई है। सेक्शन 4 में डील किया गया है पार्टनरशिप के बारे में। अब यहाँ पर क्या है कि कई बार क्या होते हैं, कोई लेबर स्किल ला रहा है, लेकिन कोई डोरमेंट पार्टनर भी है, कोई एक्टिव पार्टनर भी है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है आज के टाइम में सेक्शन 4 की इंटरप्रिटेशन निकालने से हमें ये समझ में आता है, नॉट ओनली द शेयरिंग ऑफ द प्रॉफिट, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज नॉट द सोल क्राइटेरिया, ही ये नहीं होगा। प्रेमेफेसाई तो है, प्रेमेफेसी तो है, बट इससे इंपॉर्टेंट क्या है, म्यूचुअल एजेंसी का कॉन्सेप्ट। म्यूचुअल एजेंसी इज कंक्लूसिव टेस्ट, म्यूचुअल एजेंसी जो है वो एक कंक्लूसिव टेस्ट होगा कि हाँ इन लोगों के बीच में प्रिंसिपल और एजेंट, एजेंट और प्रिंसिपल वाला रिलेशन है या नहीं है। दैट इज अ कंक्लूसिव टेस्ट फॉर फाइंडिंग आउट वेदर देयर इज अ पार्टनरशिप और नॉट। अभी हम आज देखेंगे कि शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट से ही काम नहीं चलेगा, शेयरिंग ऑफ द प्रॉफिट होता है बट वो अकेला क्राइटेरिया नहीं होगा पार्टनरशिप को ढूंढने के लिए। तो देयर मस्ट बी म्यूचुअल एजेंसी का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, देन ओनली इट वुड बी कंसीडर एज अ रियलिटी में कि पार्टनरशिप है या नहीं है। ओके, सो लेट स्टार्ट विद द एसेंशियल फीचर्स पार्टनरशिप के एग्जिस्टेंस में आने के लिए, क्या क्या एसेंशियल फीचर्स होंगे। एसेंशियल फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑफ कोर्स ही बात है, दो या दो से ज्यादा लोग शेयर करेंगे प्रॉफिट। लेकिन सबसे पहले पार्टनरशिप क्या है, पार्टनरशिप एक रिलेशन है। कैसा रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन पर्सन, लोगों के बीच में रिलेशन होना चाहिए। रिलेशन कैसा होना चाहिए, म्यूचुअल एजेंसी। अभी म्यूचुअल एजेंसी हम बताएंगे क्या होता है, वैसे तो आपको समझ में भी आया होगा। देयर मस्ट बी रिलेशन, इन सब पॉइंट को पहले मैं लिख देता हूं, देन आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग। सेकंड इज देयर मस्ट बी एग्रीमेंट। पार्टनरशिप जो है उसका रिजल्ट कैसे बनेगी, पार्टनरशिप बनेगी कैसे, उसके लिए आपको एक अग्रीमेंट करना पड़ेगा। अग्रीमेंट मीन्स कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। इट इज नॉट बाय स्टेटस, नॉट बाय स्टेटस, स्टेटस से नहीं मिलेगी। अंडर सेक्शन 5 में जो बताया गया है, पार्टनरशिप के लिए आपको एक एग्रीमेंट करना पड़ेगा, बट इट शुड नॉट बी बाय द स्टेटस से नहीं मिलती, जो कि सेक्शन 5 में लिखा है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में ही। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में जैसे ही आप पैदा होते हैं आप मेंबर बन जाते हैं। मेंबर बनते ही आपको क्या होगा, यू वुड बी हैविंग अ इक्वल राइट टू शेयर, आपका इक्वल राइट हो जाता है फैमिली बिजनेस में, फैमिली बिजनेस में, उसके प्रॉफिट में, उसकी एसेट्स में। जैसे ही बच्चा जन्म लेगा, जैसे ही बच्चा जन्म लेगा तो वो मेंबर होता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का, उसका इक्वल राइट होता है, वो पार्टनर भी होता है। बट पार्टनरशिप में आने के लिए, पार्टनरशिप में आने के लिए यू हैव टू शो योर एक्सप्रेशन आपको बताना पड़ेगा, या इम्प्लाइडली आपको बताना पड़ेगा कि मैं इस कॉन्ट्रैक्ट में, पार्टनरशिप के कॉन्ट्रैक्ट में आना चाहता हूँ।
ठीक है, क्या बच्चा जब पैदा होता बच्चा कहता है कि मैं पार्टनर बनना चाहता हूँ नहीं चाहता हूँ, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का मेंबर होऊंगा या नहीं होऊंगा, वो बाय बर्थ है। और यहाँ पे वो भी लिखा हुआ है बुद्धिस्ट कम्युनिटी, वो भी हम देख लेंगे, बस में कुछ नहीं है। सेक्शन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो, बुद्धिस्ट हो, हस्बैंड एंड वाइफ हो, तो स्टेटस से काफी चीजें हैं। क्या हस्बैंड एंड वाइफ पार्टनर हो सकते हैं? डेफिनेटली हस्बैंड एंड वाइफ भी पार्टनर हो सकते हैं, हस्बैंड एंड वाइफ भी पार्टनर हो सकते हैं। एक आपने मूवी देखी थी ना बैंड बाजा बारात, उसमें भी वो लोग क्या थे, पहले पार्टनर थे, शादी हो गई तो पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं होगा। हस्बैंड एंड वाइफ पार्टनर हो सकते हैं, ये शादी के बाद भी वो नई पार्टनरशिप में एंटर कर सकते हैं। ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे अभी डिटेल में। नाउ थर्ड पॉइंट इज फॉर व्हाट पर्पस दे आर पार्टनर, किस चीज के लिए पार्टनर बने हैं। फॉर कैरिंग ऑन अ बिजनेस, कैरिंग ऑन बिजनेस, बिजनेस चलाएंगे मिलकर, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी, कैरिंग ऑन अ बिजनेस, बिजनेस चलाएंगे। देन फोर्थ पॉइंट इज एग्रीड टू शेयर अ प्रॉफिट, किस बात के लिए सहमत है, एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट, प्रॉफिट को शेयर करेंगे। क्वेश्चन ये राइज होता है क्या लॉस भी शेयर करेंगे, इसका आंसर भी हम ढूंढ लेंगे। ठीक है, प्रॉफिट तो शेयर करेंगे, दैट इज अ प्रीमा फेसा एविडेंस दैट यू हैव एंटर इनटू अ पार्टनरशिप, बिकॉज आप बिजनेस करेंगे, बिजनेस से होने वाले फायदे को आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बट क्या लॉस करेंगे या नहीं करेंगे ये भी हम देखेंगे आज के इस लेक्चर में। देन फाइनली द लास्ट एंड द बेस्ट रूल फॉर फाइंडिंग आउट वेदर देयर इज अ पार्टनरशिप है भी या नहीं है, बिजनेस जो चलाया जा रहा है वो कैरेड ऑन बाय ऑल, सारे चलाएंगे, और बाय एनी ऑफ देम, या इनमें से कोई एक चलाएगा, ऑल या एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, एक्टिंग फॉर ऑल, सबके लिए काम कर रहा होगा। क्या पता एक आदमी ही करे एनी, क्या पता सब लोग मिलकर काम करे, तो दिस इज कॉल्ड म्यूचुअल एजेंसी, इसी को बोलते हैं म्यूचुअल एजेंसी। तो पार्टनरशिप में रिलेशन कैसा होना चाहिए, कैसा रिलेशन होना चाहिए, म्यूचुअल एजेंसी, मैं आपके लिए लायबल, आप मेरे लिए लायबल, मैं आपके लिए लायबल और मैं आपके लिए लायबल हूं, और आपके लायबिलिटी के लिए मैं लायबल हूं, मेरी लायबिलिटी के लिए आप लायबल हैं। लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट, अब हम इनको डिटेल में करते हैं। देयर मस्ट बी रिलेशन बिटवीन द पर्सन, पहला पॉइंट था रिलेशन को लेकर, रिलेशन होना चाहिए दोनों के बीच में, बिटवीन पर्संस। रिलेशन कैसे डेवलप होगा, इट मस्ट बी अराइज फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन, कॉन्ट्रैक्ट आपने किया उससे अराइज हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट से हुआ है, नॉट फ्रॉम द स्टेटस, नॉट फ्रॉम स्टेटस से रिलेशन नहीं डेवलप हुआ है। जैसे मैंने आपको बताया अंडर सेक्शन 5 हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, वहां तो बर्थ से रिलेशन जुड़ा हुआ है, जन्म होते ही आपका रिलेशन जुड़ जाता है फैमिली से। बट अगर आप पार्टनरशिप में आएंगे तो पार्टनरशिप में आपको एक कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन से ही, आप कॉन्ट्रैक्ट करके ही पार्टनरशिप में, रिलेशनशिप में आएंगे। ठीक है, अब इसमें एक चीज और है, कम से कम देखो दो लोग होने चाहिए, एटलीस्ट टू और मोर पर्सन, रिलेशन के लिए कम से कम दो लोग तो होने चाहिए ना। ठीक है, अब इसमें देयर मस्ट बी एटलीस्ट टू और मोर पर्सन, अब कैसे लोग हो सकते हैं, या तो नेचुरल पर्सन हो सकते हैं या आर्टिफिशियल हो सकते हैं। नेचुरल पर्सन यू कैन से ह्यूमन बीइंग, आर्टिफिशियल क्या एक कंपनी दूसरी कंपनी के साथ पार्टनरशिप में आ सकती है, आर्टिफिशियल है ना, आर्टिफिशियल पर्सन है, क्या एक कंपनी दूसरी कंपनी के साथ पार्टनरशिप में आ सकती है, आंसर इज यस। क्या एक फर्म दूसरी फर्म के साथ, एक पार्टनरशिप फर्म दूसरी पार्टनरशिप के साथ रिलेशन में यानी पार्टनरशिप में आ सकते हैं, आंसर इज नो। व्हाई, बिकॉज द फर्म इज नॉट अ लीगल एंटिटी, नॉट सेपरेट लीगल एंटिटी, नॉट सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। बट इस फर्म के, इस पार्टनरशिप फर्म के जो पार्टनर्स हैं,
जो पार्टनर्स हैं वो कौन है, वो तो नेचुरल पर्सन होंगे ना, तो इस फर्म के पार्टनर्स, इस फर्म के पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में, यानी रिलेशनशिप किस टाइप का रिलेशनशिप, कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप, फॉर व्हाट, म्यूचुअल एजेंसी के लिए डेफिनेटली आ सकते हैं, ये पॉसिबल है, ये लिख लेना, ये पेपर में आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, क्या एक पार्टनर पार्टनरशिप फर्म दूसरी पार्टनरशिप फर्म के साथ पार्टनरशिप कर सकती है। आंसर इज नो, बिकॉज देयर इज नो सेपरेट लीगल एंटिटी, क्योंकि अल्टीमेटली सारे पार्टनर मिलके ही तो पार्टनरशिप बनती है, उसकी कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। क्या एक माइनर पार्टनर हो सकता है, माइनर के साथ रिलेशनशिप हो सकता है, हम ऑलरेडी एक बात समझ चुके हैं, जब कभी भी पार्टनरशिप बनेगी तो दो, एटलीस्ट दो लोग होने चाहिए, तो जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ टाइम में जब पार्टनरशिप बनती है, रिलेशनशिप में जुड़ता है, ये दोनों का मेजर होना जरूरी है फर्स्ट पॉइंट ऑफ टाइम पे। बाद में आप माइनर को एडमिट जब करते हैं तो एज अ पार्टनर, वैसे तो लिखा है सेक्शन 30 में, वो तो बेनिफिशरी होता है, बेनिफिशरी होता है वो, पार्टनर तब भी नहीं होता है वैसे। पार्टनर तो वो तब कब बनेगा, जब वो 18 साल का हो जाएगा, तब वो जब चूज करेगा कि हाँ भाई मैं पार्टनर बनना चाहता भी हूँ, नहीं बनना चाहता, देन ओनली ही वुड बी कंसिडर्ड एज अ पार्टनर, अदरवाइज ही वुड बी ओनली अ बेनिफिशरी। ठीक है, और क्या इंसॉल्वेंट पार्टनर हो सकता है, क्या इंसॉल्वेंट रिलेशनशिप में आ सकता है, आंसर इज नो, इंसॉल्वेंट नहीं आएगा। ठीक है, क्या हस्बैंड एंड वाइफ हो सकते हैं, मैंने आपको बताया आंसर इज यस, शादी से पहले इन्होंने बिजनेस कर रहे थे, शादी होने के बाद क्या इनकी पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी, आंसर इज नो, शादी हो गई है, पहले ऐसे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे, बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड थे, शादी होने के बाद इन दोनों ने डिसाइड करा, अभी हस्बैंड एंड वाइफ हो गए, कि भाई हम एक बिजनेस करेंगे और इक्वली डिवाइड करेंगे शेयर, इक्वल हमारे राइट्स होंगे, हम पार्टिसिपेट भी करेंगे, डिसीजन भी मिलकर लेंगे, तो दैट मीन्स दे कैन कम इन टू द पार्टनरशिप, हस्बैंड एंड वाइफ भी पार्टनरशिप में आ सकते हैं। ठीक है, इज दैट क्लियर, एक केस लिख लेते हैं इसी पे, कि जो पार्टनरशिप जो है, जो फर्म है, पार्टनरशिप फर्म दूसरी पार्टनरशिप फर्म के साथ पार्टनरशिप में एंट्री नहीं कर सकती, व्हाई, बिकॉज देर इज नो एंटाइटल, आई मीन देर इज नो लीगल, सेपरेट एंटिटी नहीं है। केस था इस पे दूली चंद का केस था, दूली चंद वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, दूली चंद वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स इन द ईयर ऑफ 1956। ठीक है, पार्टनरशिप फर्म इज नॉट अ लीगल पर्सन, आप इतना ही लिख लीजिए, पार्टनरशिप फर्म जो है वो लीगल पर्सन नहीं होती है, नॉट अ लीगल पर्सन नहीं है, इसलिए ये लीगल पर्सन कैन नॉट एंटर विद द अनदर लीगल पर्सन, जो अदर लीगल पर्सन है नहीं, तो पार्टनरशिप फर्म कैन नॉट एंटर विद द अनदर पार्टनरशिप फर्म इन अ पार्टनरशिप रिलेशनशिप, नहीं हो सकती। बट हाँ, इसके मेंबर, जैसे मैंने आपको बताया, पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर्स, इस पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर्स आपस में मेंबर बनकर, पार्टनर्स बनकर ये नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर, लेट्स प्रोसीड टू द सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट हमने डील किया था एग्रीमेंट, देयर मस्ट बी एग्रीमेंट, एग्रीमेंट होना चाहिए। एग्रीमेंट कैसे हो सकता है, एग्रीमेंट या तो एक्सप्रेस हो सकता है या इम्प्लाइड हो सकता है। एक्सप्रेस कैसे हो सकता है, या तो बोलकर होगा या रिटर्न होगा, बट होना चाहिए, देर मस्ट बी एग्रीमेंट। और इम्प्लाइड कैसे होता है, इन्फर्ड, मान लिया जाता है कि हाँ इनके बीच में कुछ एग्रीमेंट रहा होगा या है, इन्फर्ड। वॉलेंट्रली होना चाहिए, किसी दबाव में आप पार्टनर ना बने हो, वॉलंटरी एंड कॉन्ट्रैक्चुअल होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्चुअल, और इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब एक केस था, केस का नाम था लक्ष्मी बाई वर्सेस रोशनलाल, लक्ष्मी बाई वर्सेस
रोशन लाल 1972 का केस है। अब इन दोनों के बीच में पार्टनरशिप तो हुई, इस केस में पार्टनरशिप हुई, बट कोई रिटर्न एग्रीमेंट नहीं था, नो रिटर्न एग्रीमेंट। WA का मतलब है नो रिटर्न एग्रीमेंट नहीं था, बट क्या इनके कंडक्ट से पार्टनरशिप नजर आ रही है, ये हमें देखना है इस केस में, क्या इनके कंडक्ट से पार्टनरशिप नजर आती है। प्लेंटिफ ने ये कहा इस केस में, जो प्लेंटिफ था उसने ये कहा कि इनके बीच में पार्टनरशिप तो थी लेकिन वो ओरली थी, और डिफेंडेंट इस बात को मना करता है कि भाई कोई ओरल पार्टनरशिप तो थी नहीं, क्योंकि रिटर्न नहीं था तो ओरल तो कुछ तो होगा, तभी पार्टनरशिप को चैलेंज किया जा रहा है। और डिफेंडेंट कहता है इन दोनों के बीच में अल्टीमेटली कॉन्ट्रैक्ट किस चीज के लिए हुआ ओरली। प्लेंटिफ कहता है कि भाई इसमें जो अल्टीमेटली इनके बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था दैट वॉज अ बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट, कि बिल्डिंग बनाएंगे हम, ठीक है। और इसमें अल्टीमेटली जो प्लेंटिफ था, प्लेंटिफ को यहां पर पैसा देना था, ही हैज टू फाइनेंस, प्लेंटिफ एक फाइनेंसर था। जैसे कल आप लोगों ने पूछा था सर फाइनेंसर भी तो पार्टनर होता है, अब फाइनेंसर पार्टनर होता है, कब होता है कब नहीं होता ये भी हम देख लेंगे आज। तो प्लेंटिफ ने इस केस में फाइनेंस करना था बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन को, और देयर वाज अ ओरल एग्रीमेंट। अब क्वेश्चन ये है कि ओरल भी था या नहीं था, इनके बीच में रिलेशन जो था वो कैसा था। तो प्लेंटिफ ने कहा भाई मैं तो फाइनेंसर, तो मैं तो पार्टनर हूं, और कंटेंशन ये थे, डिफेंडेंट कहता है कि ही इज ओनली प्रोवाइडिंग दी, ओनली सिर्फ ये पैसा ही दे रहा था, ही वाज ओनली फाइनेंसिंग दी कॉन्ट्रैक्ट। ऐसा हो सकता है ना, दो पार्टनर है, मेरे पास स्किल है, मेरे पास नॉलेज है कि किसी काम को, एक रोड बनाने का कॉन्ट्रैक्ट ले लेते हैं, मानते हैं एक हमें रोड बनाना है, ए और बी ने दो मिल गए, ये दो लोग ये कह रहे हैं भाई गवर्नमेंट ने इनको एक ठेका दिया, टेंडर दिया, लेकिन ये दोनों आपस में पार्टनर बन गए हैं। इन्होंने कहा कि मेरे पास स्किल है, नॉलेज है, रोड कैसे बनता है सारी नॉलेज मेरे पास, लेकिन पैसा नहीं। तो बी को बुलाता है, बी कहता है ठीक है फाइनेंस मैं कर दूंगा। तो क्वेश्चन ये अराइज होता है क्या ये दोनों पार्टनर भी है या नहीं है, और इन्होंने लिखित में कुछ नहीं लिखा, ओरली कर लिया। तो इस केस में हमने ये देखना है कि भाई अल्टीमेटली इनके बीच में रिलेशनशिप कैसा है, और इनके बीच में जो एग्रीमेंट है, माना कि वो रिटर्न नहीं है, ओरल चलता है नहीं चलता, ओरल डेफिनेटली चलता है, बहुत सारी चीजें हम नहीं लिखते हैं, लेकिन हम एविडेंस एक्ट में ये भी पढ़ चुके हैं कि हम चीजों को रिटर्न में लिख लें तो ज्यादा बेटर होता है, क्योंकि आज जो हम बात कर रहे हैं कल हम भूल जाएंगे, तो इसलिए रिटर्न होना इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि क्या टर्म्स एंड कंडीशन रहे होंगे, समझ सकते हैं डॉक्यूमेंट को देखकर। तो इस केस में जो फाइनेंसर था उसने कहा अल्टीमेटली कि मैं तो पार्टनर हूं इस केस में, क्योंकि मैं फाइनेंस भी दे रहा हूं, और डिफेंडेंट कह रहा है कि ये तो सिर्फ फाइनेंसर है, तो हमारे बीच में रिलेशन कैसा है, डेटर और क्रेडिटर का है। डिफेंडेंट ये कह रहा है हम डेटर और क्रेडिटर है। जैसे मैंने इसका एग्जाम्पल दिया, दो लोग मिलके ए और बी मिलकर क्या करते हैं, एक रोड बनाने के लिए एग्री करते हैं कि ठीक है मेरे को नॉलेज है सारा चीज है, मेटेरियल कहाँ से आएगा कैसे आएगा, आप पैसा लगा देना और गवर्नमेंट को हम रोड बना के दे देंगे, ठीक है रोड बन के दे दी जाएगी। तो इन दोनों के बीच में जो एंट्री हुई है, बी तो सिर्फ पैसा लगा रहा है, तो क्या सिर्फ पैसा लगाना ही अपने आप में, सिर्फ पैसा लगाना क्या पार्टनरशिप एग्जिस्टेंस में आ जाती है? आंसर इज नो, सिर्फ पैसा लगाने से पार्टनरशिप नहीं बन जाती है। अगर लेकिन ये जो फाइनेंसर है, ये जो फाइनेंसर है ये शेयरिंग ऑफ द प्रॉफिट कर रहा है। देखो कोई भी इंसान जब पैसा देता है ना, मनी जब देगा, मनी लेंडर जब पैसा देगा, तो ऑफ कोर्स ही बात है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देगा, जैसे सपोज करो 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देता है पर एनम। इसके बाद वो ये भी कह रहा है कि भाई ठीक है मैं प्रॉफिट भी शेयर करूंगा, तो क्या वो पार्टनर बन जाएगा? आंसर इज नो। लेकिन अगर मनी लेंडर यानी फाइनेंसर जो है इस प्रोजेक्ट में पूरा हाथ निभाता है, पूरा कंट्रोल करता है, लॉस भी बेयर करता है ठीक है, और इसका डिसीजन मेकिंग भी है, देन इज अ पार्टनर, तब वो पार्टनर होगा। तो कहने का मतलब है आप देख लो कि आप लोन दे रहे हो या कैपिटल लगा रहे हो। पार्टनर कैपिटल लगाता है या लोन देता है? पार्टनर शुरू में इनिशियली कैपिटल लगाता है पार्टनरशिप में, लोन नहीं देता। अगर आप लोन दे रहे हो
तो लोन देने वाला सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट तक ही सीमित रहता है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि फाइनेंसर जो है वो पार्टनर भी कहला सकता है, बशर्ते हमें सारे डॉक्यूमेंट्स देखने पड़ेंगे, उनके बीच में कैसा रिलेशन है वो देखना पड़ता है, देन ओनली वी कैन से देयर वाज अ पार्टनरशिप, इनके बीच में पार्टनरशिप थी। इस केस में डिफेंडेंट ये कहता है कि ये तो जो प्लेंटिव है फाइनेंसर है, तो हमारे बीच में रिलेशन कैसा है, डेटर और क्रेडिटर का है। लेकिन कोर्ट ने जब इनकी चीजों को देखा, कोर्ट ने जब सारी चीजों को देखने स्टार्ट किया, कोर्ट ने देखा यार माना प्लेंटिव ने पैसा तो लगाया है और इनके डॉक वर्बली पार्टनर कहने से क्या पार्टनर बन जाता है, नहीं, मैं आपको पार्टनर कहूँ क्या आप पार्टनर है, नहीं। इसके लिए हम कोर्ट ने कहा भाई आपके बीच में रिलेशन क्या है, आपके बीच में रिलेशन कैसा है, क्या ये जो फाइनेंसर है क्या ये इस पर्टिकुलर बिजनेस में एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है नहीं करता है, या इसका डिसीजन मेकिंग है या नहीं है, क्या ये म्यूचुअली एग्री म्यूचुअली एजेंसी वाला कॉन्सेप्ट है या नहीं है। तो कोर्ट ने इस केस में देखा कि सिर्फ इस केस में फाइनेंसर ने पैसा ही नहीं दिया, नॉट ओनली द मनी, इसका इन्वॉल्वमेंट भी था। माना कि ये ओरल एग्रीमेंट था बट फाइनेंसर वॉज इन्वॉल्व इन द बिजनेस, बिजनेस कर रहे थे उसमें इन्वॉल्वमेंट था। इट वॉज अ कंस्ट्रक्शन वर्क, हाउएवर द प्लेंटिफ दैट मीन्स द फाइनेंसर वॉज इन्वॉल्व इन द बिजनेस, ठीक है, सिर्फ पैसा ही नहीं दिया इसने, पैसे के अलावा ये इसको मैनेजमेंट सब कुछ देखता था। ये बात समझ में आ गई? यस सर। हाँ जी, तो आपने देखा कि सिर्फ फाइनेंसर पैसा लगाने से कोई पार्टनर नहीं बन जाता, क्या पैसा लगाने वाला का रोल कितना है पार्टनरशिप के अंदर, उसका कंट्रोल कितना है, क्या वो म्यूचुअली लायबल है या नहीं है, अगर लॉस में भी वो लायबल है, लॉस में भी लायबल है, इक्वली लायबल है, तो म्यूचुअल एजेंसी का कॉन्सेप्ट डेवलप हो रहा है। तो शेयरिंग ऑफ द प्रॉफिट इज नॉट ओनली द सोल क्राइटेरिया, म्यूचुअल एजेंसी इज अ मेन कंक्लूसिव टेस्ट। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा पॉइंट। लक्ष्मी बाई वर्सेज रोशन लाल, लेट्स प्रोसीड टू द थर्ड पॉइंट। थर्ड है कैरिंग ऑन अ बिजनेस, कैरिंग ऑन बिजनेस चलाएंगी। ठीक है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द पार्टनरशिप कमिंग इन टू एग्जिस्टेंस, दैट इज अ बिजनेस। बिजनेस कैसा होना चाहिए, टॉप का होना चाहिए, टू बी, चाहे ट्रेड करे, ऑक्यूपेशन करे या प्रोफेशन करे। ठीक है, बट आप मुझे एक बात बताइए, यहां पर सपोज दो लोग हैं, ए है और एक बी है, ये इन्होंने क्या करा, भाई हम एक काम करेंगे ए और बी, मैं 5 लाख मैं लाऊंगा, 5 लाख आप लाना, दोनों मिलके 10 लाख हो जाएंगे, एक प्रॉपर्टी ये खरीदते हैं, एक प्रॉपर्टी ये खरीदते हैं, खरीदने के बाद उसको बेच देते हैं, प्रॉफिट हो जाता है, प्रॉफिट को बांट लेते हैं। 10 लाख की बिल्डिंग इन्होंने खरीदी, उसको 15 लाख पे इनको बेच दिया, प्रॉफिट हो गया 5 लाख का, भाई 2.5 लाख आप रख लीजिए, 2.5 लाख मैं रख लेता हूँ। इज इट अ पार्टनरशिप, इज इट अ बिजनेस? हाँ जी, क्या ये बिजनेस है? नो, ये बिजनेस नहीं है, इट इज जस्ट ओनली अ स्नैप एक्ट। सिर्फ एक बारी में आपने एक चीज करी, आप अपने अपने प्रॉफिट बांट के घर पे चले गए, दैट इज नॉट अ बिजनेस। बट क्या इस सिचुएशन में अगर इनको 5 लाख, 5 लाख का प्रॉफिट हुआ, इस 5 लाख के प्रॉफिट को इन्होंने 2 लाख रुपए अपने साइड में रख लिया, 2 लाख रुपीज इन्होंने कहा भैया अब हम आगे भी तो मकान को खरीदेंगे, बेचेंगे, सेल परचेज करेंगे, और सेल परचेज में हमें एजेंट्स को सैलरी देनी पड़ेगी और एक्सपेंसेस भी आएंगे, और उसके बाद कुछ अमाउंट साइड में रख कर 3 लाख रुपए को इन्होंने आपस में डिवाइड कर लिया, 1.5 लाख रुपए। इज इट अ बिजनेस? यस, ये बिजनेस होगा। क्यों? इसका आंसर क्योंकि इन्होंने क्या करा, अब ये उस तरफ बढ़ रहे हैं कि रेगुलर एक्टिविटी में जा रहे हैं, मतलब कैरिंग ऑन अ बिजनेस, कैरिंग चलता रहना चाहिए। लेकिन ऐसा भी हो सकता है भाई, टेम्पररी बिजनेस भी हो सकता है, परमानेंट बिजनेस भी हो सकता है, टेम्पररी भी हो सकता है, परमानेंट भी हो सकता है,
बट ऐसा ना हो कि स्नैप एक्ट, एक बार कर आपने अपने गन निकल ली, पैसा लिया निकल ली, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बट डेफिनेटली इनका पर्पस है कि भाई खरीदेंगे बेचेंगे, आगे भी खरीदने बेचेंगे, खरीदेंगे बेचेंगे, प्रॉफिट आएगा डिवाइड करते रहेंगे, लॉस होगा तो भी बेयर करेंगे, और लोगों की सैलरी देनी है, रिपेयरमेंट होगा, दैट इज कॉल्ड अ बिजनेस। ओके चलो, अगर आपको ये समझ में आ गया तो मैं आपको एक इलस्ट्रेशन देता हूँ, आप मुझे बताइएगा। एक ए है एक बी है, एक ए है एक बी है, इन दोनों ने क्या करा भाई, हम ओल्ड जो पुरानी गाड़ी है ना, सोल्ड कार को सेल परचेज का काम करेंगे, सेल एंड परचेज का काम करेंगे, सेल परचेज का काम करेंगे ए और बी, ठीक है, सेल परचेज का काम करते हैं। अब एक सिचुएशन ये ले लेते हैं, ए और बी जो है, बी को मैंने कहा भैया ठीक है वहां पर एक गाड़ी अवेलेबल है दिल्ली में, गाड़ी है उसको ले आओ, उसको ले आओ कि हम बेचेंगे। फिर बी गाड़ी लाता है, बी गाड़ी लेके आता है रास्ते में और इसका एक्सीडेंट हो जाता है, ये सामने वाले को चोट मार देता है, बी जो है गाड़ी लाते वक्त सामने वाले को चोट मार देता है और अल्टीमेटली कई सारा लॉस हो जाता है इनको, क्या ए लायबल है, क्या ए लायबल होगा? हाँ जी बताइए जल्दी से, कम ऑन, वेदर द ए इज लायबल? यस, क्योंकि इनका काम क्या है, सेल परचेज, ये क्या करने गया है, गाड़ी लेने गया है, और गाड़ी जब आएगी तो सेल परचेज करेंगे, इसका एक्सीडेंट हो गया तो ऑफकोर्स ही बात है, हमने बात पढ़ी है प्रिंसिपल और एजेंट, और ये कैसा है, म्यूचुअल एजेंसी की बात करिए ना, तो म्यूचुअल एजेंसी में प्रिंसिपल इज लायबल फॉर द एक्ट ऑफ द एजेंट, एजेंट इज लायबल फॉर द एक्ट ऑफ प्रिंसिपल, तो एक दूसरे के ये लायबल है इस सिचुएशन में, पहले वाले सिचुएशन में। आई होप समझ में आ गई होगी, ध्यान से सुनना, अगर आपने एक वर्ड मिस कर दिया तो आप इसका आंसर नहीं दे पाएंगे इस इलस्ट्रेशन का। सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड सिचुएशन क्या है भाई, बी जाता है दिल्ली में ही जाता है, दिल्ली के शोरूम में जाता है, होंडा का शोरूम है, होंडा में जाता है, वहां से क्या करता है, एक नई कार ले आता है, नई कार को ये रास्ते में ठोक देता है, नई कार को रास्ते में आते वक्त ये ठोक देता है। हम बिजनेस सपोज करो पंजाब में कर रहे हैं, से फॉर एग्जांपल ए और बी बिजनेस करते हैं ओल्ड कार का सेल एंड परचेज का, बी जाता है दिल्ली में और वहां पर एक होंडा शोरूम में जाता है, नई कार लेके आता है और रास्ते में इसका एक्सीडेंट हो जाता है, सामने वाले को भी ठोक देता है और अपने भी लग जाती है, लॉस होता है हमको, थर्ड पार्टी को हमें पे करना पड़ा, क्या ए लायबल है? बहुत ही बढ़िया। तो इस सिचुएशन में हमने एक चीज देखी कि ये जो अल्टीमेटली हमारा पार्टनरशिप का जो बिजनेस था वो किस चीज का था, दैट इज फॉर द ओल्ड ओल्ड कार्स, सेल एंड परचेज ऑफ द ओल्ड कार, नॉट फॉर द Not for the new, ये तो नई गाड़ी कह रहे खरीदने चला गया, अरे तो मैं क्या करूं, नई गाड़ी खरीदने चला गया तो हमारा काम तो पुरानी गाड़ियों का है, तो that is not a business for the purpose of partnership में, हमने partnership में किस चीज के लिए एंट्री करी है, किस चीज में हम सहमत हो वो इम्पोर्टेंट होता है, इज दैट क्लियर? ये चीजें सारी बहुत बारीकियों को समझना पड़ता है, राइट? तो ये ध्यान में रखना, ऐसे इलस्ट्रेशन घुमा फिरा के दे देंगे आप लोगों को। और कैरिंग ओवर बिजनेस का मतलब क्या है, कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग एंड परमानेंट अटैक, काफी लंबे समय के लिए होना चाहिए, वैसे यहाँ शॉर्ट भी हो सकता है, मैंने आपको बताया टेम्पररी भी हो सकता है, बट कैरिंग ऑन होना चाहिए, वर्ड जुड़ा हुआ है ना कैरिंग ऑन, कि बिजनेस चलाने के लिए, ऐसा नहीं स्नैप एक्ट नहीं होना चाहिए। और ये जो आपको पता कैसे चलेगा कि इनके बीच में पार्टनरशिप है या नहीं है, बिजनेस चलाने के लिए बात हुई या नहीं हुई है, द फर्स्ट इज द इम्पोर्टेंट थिंग इज द टेस्ट, कैरिंग ऑन अ बिजनेस होना चाहिए, इट्स नॉट मेयरली एन एग्रीमेंट, सिर्फ एग्रीमेंट से काम नहीं चलेगा, नॉट मेयरली एग्रीमेंट, एग्रीमेंट है इससे काम नहीं चलता, कई बार एग्रीमेंट में आपने पार्टनर लिख दिया है क्या उससे काम चल जाएगा, आंसर इज नो, कोर्ट को क्या देखना है, रियल इंटेंशन देखनी है बिटवीन द पार्टीज, रियल इंटेंशन और रिलेशन बिटवीन द पार्टी, ये इंटेंशन जो वर्ड यूज हुआ है कॉक्स एंड किंग में यूज हुआ था, ठीक है, कॉक्स वर्सेस हिकमैन, सॉरी
हिकमैन, ठीक है, इस केस में रियल इंटेंशन देखा गया कि इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप आने के लिए रियल इंटेंशन क्या है, और अल्टीमेटली अगर हम बात करें सेक्शन सिक्स में यूज हुआ रियल रिलेशन क्या है इनके बीच में, ठीक है सर। हाँ जी सर, अगर यहाँ जो आपने अभी एग्जांपल दिया था, अगर उस कार वाला, तो अगर उसने इफ दे परचेज दैट कार फॉर द कैरिंग ऑफ देयर बिजनेस, तो फिर नई गाड़ी, हमारा मेन पर्पस क्या है, हमारा काम जो है वो नई गाड़ी, मतलब जो उनका बिजनेस तो पुरानी गाड़ियों में डील करने का है, लेकिन वो जब आएंगे जाएंगे कहीं भी अपना बिजनेस कैरी ऑन करने के लिए, आना जाने के लिए अगर वो नई कार खरीदेंगे, देन प्रॉपर्टी ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, वो प्रॉपर्टी के लायक, वो एक बात बताओ, हम एक दूसरे के लिए लायबल थोड़ी ना होंगे, हमने जो बिजनेस करा है बिजनेस के लिए तो म्यूचुअल एजेंसी है ना, बट हाँ अगर हम ये आने जाने के लिए, अगर हमने सपोज करो दो पार्टनर ए एंड बी, इन्होंने आने जाने के लिए गाड़ी खरीद ली, एक कार खरीद ली, ये जो कार है ये प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म है, और इससे अगर लॉस तीसरे इंसान को पहुंच रहा है तो कौन लायबल होगा, ये कह रहे हैं आप? अगर एक्सीडेंट हो जाएगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब पहली चीज, अगर इनका इंश्योरेंस हुआ हुआ है तो इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी ऑन द बिहाफ ऑफ द कंपनी, और इंश्योरेंस मैंडेटरी, अगर इंश्योरेंस नहीं है तो दोनों पार्टीज को देना पड़ेगा क्योंकि फर्म के नाम पर होगी ये तो प्रॉपर्टी, ठीक है, फर्म को यहाँ पे म्यूचुअल एजेंसी वाला प्रिंसिपल अप्लाई होगा, यहाँ पे दोनों लॉस देंगे। देखो पार्टनर जो है, पार्टनर जो है वो कंपनी की जो प्रॉपर, सॉरी पार्टनरशिप फर्म की जो प्रॉपर्टी है वो फर्म के काम के लिए यूज करेगा, फर्म के लिए यूज कर रहा है, उससे कोई लॉस पहुंचा रहा है किसी इंसान को तो फर्म इज लायबल, फर्म कौन, यानी पार्टनर लायबल है, लेकिन वो आउट ऑफ द कोर्स जाके चीजें कर रहा है तो फर्म लायबल नहीं होगी, उसका फिर पर्सनल हो जाएगा, वो पर्सनल लायबल होगा फिर ऐसी चीज अगर वो करता है तो। अब एक बात बताओ, ये गाड़ी है फर्म के नाम पर रजिस्टर्ड है, ये ले गया हमने टूर पे, एक पार्टनर ले गया टूर पे गाड़ी, पहली चीज अलाउड है क्या गाड़ी ले जाने टूर पे, गाड़ी किसके लिए ली हमने, काम के लिए लिए है ना, वो ले जा रहा टूर पे, तो टूर पे एक्सीडेंट करता है तो कौन लायबल होगा, कौन लायबल होगा, वही पार्टनर जो लेके गया वही लायबल होगा, उसकी पर्सनल लायबिलिटी होगी फिर, वो हम जिस चीज के लिए एंट्री करे हैं, हम जिस चीज के लिए पार्टनरशिप में हैं, उसी चीज के लिए तो लायबल होंगे ना। Yes, अब हम बात करते हैं कैरिंग ऑन ऑफ अ बिजनेस, इसमें हम कैरिंग ऑन अ बिजनेस में केस आरआर सरना वर्सेस रूबन RUBEN, अब ये जो केस है इस केस में हमने ये देखना है, जैसे मैंने अभी आपको बताया जब तक बिजनेस स्टार्ट ही नहीं हुआ है, जब तक बिजनेस स्टार्ट ही नहीं हुआ है तो पार्टनरशिप किस चीज की, एग्रीमेंट बनाने से क्या पार्टनरशिप बन जाती है क्या, एग्रीमेंट इंपॉर्टेंट है, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एसेंशियल, हाउएवर सिर्फ लिख देने से, ए और बी ने आज एक तारीख को 1 जुलाई 2021 में एक एग्रीमेंट कर लिया कि हम बिजनेस करेंगे, किस चीज का, हम ट्रेड करेंगे, ऑयल का ट्रेड करेंगे, से फॉर एग्जाम्पल हमारा ऑयल का ट्रेड स्टार्ट होगा 1 अगस्त से, इस ऑयल के ट्रेड को स्टार्ट करने से पहले लाइसेंस भी चाहिए होता है, खाने वगैरह का लाइसेंस तो चाहिए होगा ना, अगर ये एडिबल ऑयल है तो लाइसेंस मिला नहीं, लाइसेंस नहीं मिला तो क्या पार्टनरशिप एग्जिस्टेंस में आ गई, बताइए जल्दी से, कम ऑन, वेदर द पार्टनरशिप इज इट इन एग्जिस्टेंस और नॉट, नो, इज इट नॉट इन एग्जिस्टेंस, सो पार्टनरशिप सिर्फ एग्रीमेंट लिखने से पार्टनरशिप नहीं बन जाती है, पार्टनरशिप हैज टू बी कम इन टू एग्जिस्टेंस, आना ही पड़ेगा, देन ओनली यू वुड बी द पार्टनर ऑफ द फर्म। इस केस में क्या हुआ, आरआर सरना वर्सेस रूबन के केस में एक दो लोग पार्टनरशिप में एंट्री करे, इनका एंट्री करने का, पार्टनरशिप में आने का जो पर्पज था कि दे विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे, ठीक है, अब इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे तो इन्होंने क्या करा, ऑफकोर्स की बात है लाइसेंस ही होगा, लाइसेंस के लिए म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को लिए, कानपुर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में लाइसेंस के लिए अप्लाई करा, भैया लाइसेंस सही होगा, बिगर ऐसे लाइसेंस के थोड़ी ना काम स्टार्ट करेंगे, लाइसेंस नहीं मिला, रिफ्यूज नॉट फेल्ड रिफ्यूज्ड, लाइसेंस नहीं मिला,
जब लाइसेंस नहीं मिला तो ऑफकोर्स ही बात है, जब हम दो लोग पहले ही एंट्री कर चुके पार्टनरशिप में, कुछ पैसा भी हमने दिया होगा, ठीक है, और जब लाइसेंस नहीं मिला तो एक पार्टनर ने कहा भाई ला मेरा पैसा वापस दे, रिटर्न माय मनी। दूसरा कहता नहीं भाई नहीं, किस चीज का पैसा मांग रहे हो, ये तो पार्टनरशिप का पैसा है और पार्टनरशिप में हमारे और भी खर्चे हुए हैं, मैं कैसे आपको दे दूं। तो इसने कहा भैया नहीं यार मेरे को तो पैसा वापस दो, उसने कहा नहीं भाई तो पार्टनरशिप का पैसा, पार्टनरशिप के नाम पे आपसे लिया था, लेकिन यहाँ पे अल्टीमेटली लाइसेंस रिफ्यूज हो गया। तो पार्टनरशिप एग्जिस्टेंस में आई या नहीं आई, पार्टनरशिप तो एग्जिस्टेंस में आई नहीं। जब पार्टनरशिप एग्जिस्टेंस में आई ही नहीं तो किस बात के पार्टनर, तो वी आर नॉट पार्टनर, ठीक है। तो कोर्ट ने इसे केस में कहा देयर वाज नो पार्टनरशिप, अभी तक तो पार्टनरशिप बनी भी नहीं है, ठीक है, और जिस चीज के लिए आप पार्टनरशिप में आना चाहते थे इट नेवर केम इनटू एग्जिस्टेंस, अभी तक तो एग्जिस्टेंस में आई भी नहीं है ये, तो जो चीज एग्जिस्टेंस में है ही नहीं तो यू आर नॉट पार्टनर। सिर्फ एग्रीमेंट में लिख देने से पार्टनर नहीं बन जाते हैं। इज दैट क्लियर, ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? कम ऑन से यस और नो। तो सर एज अ रिजल्ट दोनों का कैपिटल तो वापस हो जाएगा ना? हाँ वापिस ही होगा, बिल्कुल वापिस होगा, यही तो इसका कंक्लूजन है। जब चीज में हम एग्जिस्टेंस में आए नहीं तो पार्टनरशिप अराइज ही नहीं हुई, पार्टनरशिप में आते फिर वो वाइंडिंग अप होती, डिसॉल्व होती, उसके बाद पैसा वापिस जाता, जब आए नहीं तो वापिस करो। क्लियर है बात? यस सर। ओके आगे चलते हैं। ओके सो हमने तीन पॉइंट कर लिए हैं, लेट्स प्रोसीड टुवर्ड द फोर्थ पॉइंट। फोर्थ क्या है? द शेयरिंग ऑफ द प्रॉफिट, देयर मस्ट बी शेयरिंग ऑफ अ प्रॉफिट। पार्टनरशिप का वी हैव ऑलरेडी डिस्कस के इट इज अ प्राइमरी फेसी एविडेंस है, शेयरिंग ऑफ द प्रॉफिट जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, बट दैट इज नॉट द ओनली एसेंशियल फॉर फाइंडिंग आउट कि इनके बीच में पार्टनरशिप है भी या नहीं है। और अगर हम पार्टनरशिप की बात करें, पार्टनरशिप जो बना भी है वो वर्ड बना है टू पार्ट, पार्ट यानी टू डिवाइड, जिसका मतलब टू डिवाइड, व्हाट टू डिवाइड, प्रॉफिट हैज टू बी डिवाइडेड, प्रॉफिट को शेयर करना है। ये पार्टनरशिप का एक मूल मंत्र है कि भाई हम पार्टनरशिप में किस लिए आए हैं, ताकि जो प्रॉफिट होगा हम उसको शेयर करेंगे, शेयर ऑफ द प्रॉफिट, ठीक है। बट क्या शेयरिंग ऑफ लॉसेस है या नहीं है? शेयरिंग ऑफ लॉसेस, लॉस भी शेयर करें, ये इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 4 में कहीं नहीं लिखा कि शेयरिंग ऑफ लॉस, हमने ना ही पढ़ा, मैंने भी आपको दिखाया था कि शेयरिंग ऑफ लॉस इज नॉट मेंशन्ड, मेंशन तो नहीं है, बट कहीं ना कहीं हमें ये देखना पड़ता है कि सिर्फ प्रॉफिट ही शेयर कर रहे हैं या लॉस भी शेयर कर रहे हैं। अगर वो लॉस भी शेयर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इंक्लाइंड होता है कि कहीं ना कहीं ये पार्टनर रहे हैं, बट ऐसे भी पार्टनर होते हैं जो सिर्फ शेयर करेंगे प्रॉफिट, ऐसे भी पार्टनर होंगे, बट क्या शेयरिंग ऑफ द लॉसेस होगा? दैट वुड बी डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टेंसेस, फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस पे होगा। शेयरिंग ऑफ लॉसेस है तो कहीं ना कहीं हम ये मान के चल लेते हैं एक एविडेंट, इट्स लाइक एविडेंट दैट द शेयर, इफ दे आर शेयरिंग ऑफ द लॉसेस के कहीं ना कहीं वो पार्टनर रहे होंगे, बट इवन दो इट्स नॉट एसेंशियल, लेकिन एसेंशियल नहीं है क्योंकि हमारे कॉन्ट्रैक्ट में सेक्शन 4 में ऑफ इन पार्टनरशिप एक्ट में नहीं लिखा है, बट इन्फर्ड किया जा सकता है कि अगर लोगों ने शेयरिंग ऑफ द लॉसेस किया तो इट कैन बी इन्फर्ड देयर माइट बी अ पार्टनरशिप इनके बीच में रही होगी। एक केस में ऐसा दिखाऊंगा जहां पर आपको शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट भी होगा, शेयरिंग ऑफ लॉस भी है, पर तब भी वो पार्टनरशिप नहीं है। विल सी दैट, दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग केस, विल डू इट लेटर ऑन, ठीक है। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एक अपने आप में स्ट्रॉन्ग एविडेंस है, स्ट्रॉन्ग एविडेंस है कि पता करना कि पार्टनरशिप है या नहीं है, बट दैट्स नॉट कंक्लूसिव, नॉट कंक्लूसिव नहीं होता है। व्हाट इज कंक्लूसिव?
दैट इज अल्टीमेटली अ म्यूचुअल एजेंसी, अपने आप में एक बहुत कंक्लूसिव टेस्ट है. फिफ्थ वन इज द म्यूचुअल एजेंसी. म्यूचुअल एजेंसी क्या है? वी हैव ऑलरेडी डन इट, दैट द कैरिंग बिजनेस, कैरिंग बाय ऑल, सारे करेंगे या एनी ऑफ देम, कोई एक करेगा, एक्टिंग फॉर ऑल, सबके लिए कर रहे होंगे. म्यूचुअल एजेंसी इसमें पार्टनर है, पार्टनर है तो पार्टनर ये जो भी एक्ट करेगा इसके लिए ये वाला पार्टनर लायबल है, इसके एक्ट के लिए ये लायबल है, दैट इज कॉल्ड म्यूचुअल एजेंसी. ठीक है, यानी प्रिंसिपल और एजेंट का कॉन्सेप्ट यहाँ छुपा है, बट यहाँ पे एजेंसी का कॉन्सेप्ट नहीं है. नॉट ओनली मेयरली एजेंसी की बात नहीं कर रहा हूँ, एजेंसी वाला जो कॉन्सेप्ट है उसमें तो एक पार्टनर होता है, एक एजेंट होता है. यहाँ जो कॉन्सेप्ट है दैट इज अ म्यूचुअल एजेंसी. म्यूचुअल एजेंसी का मतलब है कि एक पार्टनर है, एक एजेंट है, और यही एजेंट ये भी प्रिंसिपल है, और ये पार्टनर जो ये जो पार्टनर है या प्रिंसिपल है ये भी एजेंट है. तो म्यूचुअली है, एक दूसरे के एजेंसी क्रिएट करी है तो एक दूसरे के लिए लायबल है. ठीक है, कई बार ऐसा हो सकता है डोरमेंट पार्टनर होंगे जो कुछ नहीं करते हैं पर तब भी वो पार्टनर कहलाएंगे, बहुत कुछ कम, बहुत लिटिल बिट पार्टिसिपेट करते हैं, दे कैन बी अ पार्टनर, बट अल्टीमेटली ज्यादातर लाइबिलिटीज जिसकी अराइज हो जाती है वो एक्टिव पार्टनर की है. बट एक्टिव पार्टनर सारे काम करता है, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ इसी की लाइबिलिटी होगी. एक इंसान जो बहुत कम नजर आता है तब भी वो पार्टनर है, तो जो डोरमेंट है उसकी भी लाइबिलिटी होगी. ठीक है, वैसे तो इनके बीच में जो है कॉन्ट्रैक्ट क्या कहता है, इनके बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न में हुआ है दैट इज इम्पोर्टेंट. दे कैन बी, ऐसा हो सकता है इक्वल शेयरिंग हो, बट क्या पता कॉन्ट्रैक्ट में इन्होंने लिखा हो 1:5 की शेयरिंग हो, इज दैट पॉसिबल, ऐसा हो सकता है. बट अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, इन्फर्ड है, इम्प्लाइड है, से पता लग रहा है कि इनके बीच में पार्टनरशिप है, देन इट वुड बी इक्वल पार्टनरशिप जिसमें 1:1 का रेशियो से प्रॉफिट डिवाइड होगा. ठीक है, अब हम एक केस कर लेते हैं जो लीडिंग केस रहेगा पार्टनरशिप के कॉन्सेप्ट को और डिटेल में समझने के लिए. सबसे इंपॉर्टेंट केस है कॉक्स वर्सेस हिकमैन. आप लोगों ने, कितनों ने ये केस पढ़ा है कॉक्स वर्सेस हिकमैन? इस केस से हमें पता चलेगा कि व्हाट इज द रियल रिलेशन और व्हाट इज द रियल इंटेंशन बिटवीन द पार्टीज टू कमिंग इनटू द एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप. इनके बीच में रियल इंटेंशन क्या है और क्या रिलेशन है भी या नहीं है पार्टनरशिप का, इसलिए केस इंपॉर्टेंट है, वेदर देयर इज अ रिलेशन बिटवीन द पार्टनरशिप और नॉट. हाउ मेनी आर वी गोइंग थ्रू विद दिस केस? हाँ जी यामिनी अर्चना, जल्दी से बताइए, केस पता है, फैक्ट्स पता है इसके? सर ये शायद क्रेडिटर्स और क्वेश्चन आया था कि whether the relationship between person was a debtor and creditor or of partners. हाँ जी, ट्रस्टी को लेकर है कि वो ट्रस्टी है या पार्टनर है. चलो समझते हैं केस को. दो लोग थे SNS, इनका बिजनेस था आयरन का, काम करते थे, आयरन मर्चेंट थे. They were iron merchant. ठीक है, व्यापार करते थे आयरन मर्चेंट. और जब इनका बिजनेस बहुत अच्छी फाइनेंशियल कंडीशन में नहीं था, देयर वाज अ फाइनेंशियल लॉसेस चल रहे थे, इनको फाइनेंशियल असिस्टेंस की जरूरत पड़ी, लेकिन इनका फाइनेंशियल बहुत ज्यादा वीक हो गया था. द बिजनेस वाज नॉट रनिंग इन अ साउंड कंडीशन. SS दो पार्टनर्स थे, आयरन मर्चेंट का काम करते थे, इनका बिजनेस था, फाइनेंशियल बहुत वीक हो चुके थे. अल्टीमेटली इन्होंने क्या करा, जो इनके क्रेडिटर्स थे, इनके क्रेडिटर्स जो थे, इन्होंने कहा भाई एक काम करते हैं, ये आपका बिजनेस हम चलाएंगे, आपका बिजनेस हम चलाएंगे, और इस बिजनेस से जो भी प्रॉफिट होगा, वट एवर द प्रॉफिट जो भी होगा, उसको हम अपने जो हमारा कर्जा है, जो डेट्स हैं, उसकी भरपाई कर लेंगे. ठीक है, डेट्स को पे करेंगे फ्रॉम द प्रॉफिट. दैट मीन्स क्रेडिटर दे वर्किंग एज अ ट्रस्टी नाउ.
इन्होंने हैंड ओवर, आई मीन ये एसएस ने हैंड ओवर कर दिया, भाई बिजनेस आप चलाइए, अगर प्रॉफिट होगा तो आप पहले अपना डेट पे कर देना, उसके बाद हमारे को बिजनेस वापस दे देना, इज दैट क्लियर? तो ये फैक्ट्स है। अब एक जो है इसमें एक हिकमैन है, हिकमैन साहब थे, इन्होंने इन्होंने कुछ गुड्स खरीदे, अब ये जो ट्रस्टीज थे इन्होंने कुछ गुड्स खरीदे किससे? हिकमैन से, और एक बिल ऑफ एक्सचेंज इन्होंने ड्रॉ कर दिया, बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ कर दिया फॉर अ प्राइस हिकमैन के फेवर में, लेकिन इसकी पेमेंट नहीं करी, पेमेंट तो करी नहीं इन्होंने, जब पेमेंट नहीं करी तो हिकमैन ने केस फाइल कर दिया, हिकमैन ने केस कर दिया किस पे? कॉक्स पे, ट्रस्टीज पे, और कॉक्स जो था वो एक ट्रस्टी था इनमें से, कॉक्स वॉज ऑल्सो ट्रस्टी। हिकमैन ने जब पेमेंट नहीं हुई तो हिकमैन ने केस कर दिया कॉक्स पे, अल्टीमेटली देखो ये साइटेशन उल्टी हुई, यानी उसने अपील करी है, तो अल्टीमेटली हिकमैन ने केस करा कॉक्स पे, एंड अब क्वेश्चन ये अराइज हुआ कि क्या ये पार्टनर्स हैं या दे मेयरली एन एजेंट, क्या ये पार्टनर्स हैं या सिर्फ एजेंट है? अब किसकी बात हो रही है? ये एसएस की बात हो रही है, एसएसएन ये जो ट्रस्टी थे जिनको हैंडओवर किया है बिजनेस, जिनको हैंडओवर किया है, क्या ये पार्टनर्स हैं? ये क्वेश्चन अराइज हुआ, क्योंकि पार्टनर होंगे देन ऑफ कोर्स ही बात है एसएस भी जो लायबल होंगे फॉर द एक्ट ऑफ द पार्टनर्स। नाउ द क्वेश्चन इज दैट वेदर देयर इज अ रिलेशन बिटवीन द एसएस एंड द क्रेडिटर, एसएस और क्रेडिटर के बीच में जिनको हैंडओवर किया है बिजनेस, क्या ये पार्टनरशिप है या नहीं है? दैट इज अ मेन कंट्रोवर्सी इन दिस केस। बताइए आप लोग। सर द रिलेशनशिप वाज ऑफ डेटर एंड क्रेडिटर ओनली, क्योंकि ट्रस्टीज जो थे दे वर ओनली एजेंट्स ऑफ द पार्टनर्स, ठीक है, दे वर नॉट प्रिंसिपल्स। तो सबसे पहले एजेंसी नहीं थी बीच में दोनों के। हाँ जी, तो कोर्ट ने यही कहा, फर्स्ट ऑफ ऑल दे वर क्रेडिटर, देखो ये क्रेडिटर है, बट दे वर शेयरिंग प्रॉफिट एंड प्रॉफिट भी शेयर करते हैं, प्रॉफिट होता है तो इससे अपना ये लॉस जो है वो कम करेंगे, जो कर्जा है उसको कम करेंगे, प्रॉफिट जो होगा, शेयरिंग द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, तो शेयरिंग ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस तो कर रहे हैं, बट क्या शेयरिंग ऑफ द प्रॉफिट जो अपने आप में क्राइटेरिया है, इज इट अ सोल क्राइटेरिया टू फाइंड आउट द पार्टनरशिप? क्या इससे पता लग जाएगा कि पार्टनरशिप है या नहीं है? है तो ये क्रेडिटर, लेकिन क्रेडिटरों ने क्या किया था? क्रेडिटर को क्या करना चाहिए? अगर आपका पैसा नहीं मिलेगा तो आप क्या करेंगे? आपका पैसा नहीं मिलेगा तो आप सू करेंगे ना फॉर द रिकवरी ऑफ डेट्स। हाँ जी, yes. अपने डेट्स को रिकवरी करने के लिए सू करेंगे ना, बट द क्रेडिटर व्हाट दे हैव चूजन, इन्होंने क्या चूज किया? दे हैव चूजन टू टेक ओवर द बिजनेस, कि भैया हम आपका बिजनेस चलाएंगे, हम आपका बिजनेस चलाएंगे, आपका बिजनेस चलाएंगे, प्रॉफिट होगा अपना कर्जा माफ कर लेंगे, तो क्या पार्टनर बन गए ये? क्या ये पार्टनर बन गए? बताइए जरा जल्दी से। दे आर नॉट अ पार्टनर्स, बट इन दोनों के बीच में रिलेशन कैसा रहा? डेटर और क्रेडिटर्स का, डेटर एंड क्रेडिटर्स का यही रिलेशन है। कोर्ट ने कहा भैया डेटर एंड क्रेडिटर है और पार्टनर्स तो है ही नहीं है, तो ये इसलिए द कॉक्स इज नॉट लायबल फॉर दैट, कॉक्स देयरफॉर नॉट लायबल, लायबल नहीं है, ठीक है। और कोर्ट ने बड़ी अच्छी बात कही कि ट्रस्टी वर, जो भी ट्रस्टी थे, जितने भी ट्रस्टी जिनको हैंड ओवर किया गया बिजनेस, देवर मेनली एजेंट्स हैं ये, देवर एजेंट्स, एजेंट ऑफ हुम? एस एन एस के एजेंट है ये, भैया पार्टनर थोड़ी ना है, देर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी नजर आ रही है कहीं से? नो, म्यूचुअल एजेंसी मिसिंग है, इसलिए कहा भैया प्रॉफिट ऑफ शेयरिंग इज नॉट द क्राइटेरिया फॉर फाइंडिंग आउट वेदर देयर इज अ रिलेशनशिप ऑफ पार्टनरशिप और नॉट, और नॉट है या नहीं है। देयर मस्ट बी अ प्रॉपर टेस्ट, क्या होगा? व्हाट इज द प्रॉपर टेस्ट? सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है म्यूचुअल एजेंसी, ये टेस्ट को एम्फेसाइज किया गया है, दैट इज अ मेन टेस्ट टू फाइंडिंग आउट के इन दोनों के बीच में पार्टनरशिप है या नहीं है। तो अब हमने देखा कि पार्टनरशिप में
जो शेयरिंग ऑफ द प्रॉफिट है, क्रेडिटर अगर शेयरिंग ऑफ द प्रॉफिट अगर कर रहे हैं इवन दो दे आर नॉट द पार्टनर्स, अल्टीमेटली रिजल्ट क्या निकल के आता है कि शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट जो है ना, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट जो है इट्स ओनली अ प्राइमा फेसी एविडेंस, ठीक है, प्राइमा फेसी टेस्ट और यू कैन से एविडेंस है कि भाई हाँ पार्टनरशिप रही होगी, यह पार्टनरशिप है, बट इट इज नॉट दी ओनली क्राइटेरिया, अपने आप में ही क्राइटेरिया नहीं है. क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली क्या होना चाहिए, म्यूचुअल एजेंसी होनी चाहिए. म्यूचुअल एजेंसी का मतलब क्या है, मैंने आपको बताया था मीनिंग, म्यूचुअल एजेंसी का मतलब रिलेशन कैसे है इनके बीच में. ये तो आज भी क्रेडिटर है, आज भी इनको ट्रस्टी तो बनाया गया, इनको पार्टनर तो नहीं बनाया गया, ठीक है. ऐसा हो सकता है कई बार सर्वेंट और एजेंट भी जो है उनको हम प्रॉफिट दे रहे हो बिजनेस में, बट प्रॉफिट देने से वो पार्टनर बन जाएंगे क्या, बताइए जरा, क्या प्रॉफिट देने से पार्टनर बन जाएंगे? एक बात बताओ, सर्वेंट जो होता है या फिर एजेंट जो होता है इसको हम सैलरी पे रखते हैं. सपोज करो हमने 10,000 रुपए की सैलरी पर मंथ पे रखा, आप अपने सर्वेंट को या एजेंट को 10,000 रुपए पर मंथ देते हैं, 10,000 रुपए पर मंथ देखने के बाद आप उससे कहते हैं भाई अगर मेरा बिजनेस अच्छा चला ना मैं तेरे को कुछ और प्रॉफिट भी दूंगा, चल बिजनेस अच्छा चलेगा ना मैं तेरे को दूंगा, आप उसको कमीशन भी देते हैं ना, प्रॉफिट होने पे कुछ पैसा भी तो दे देते हैं, नहीं देते हैं, तो क्या उसको प्रॉफिट देने से, प्रॉफिट शेयर करने से क्या वो हमारा पार्टनर बन जाएगा? हाँ जी. नो सर, बिकॉज ये देखना पड़ेगा कि दैट whether that servant is also a principal for the other partners or not. Definitely. तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है, रियल इंटेंशन बिटवीन द पार्टीज, ये भी देखना चाहिए भाई रियल इंटेंशन क्या है. अब आप मुझे एक एग्जाम्पल बताना, मैं आपको एक ना अपने एग्जाम्पल देता हूँ. आप मानसी मैडम से इंग्लिश की क्लासेस पढ़े हैं, राइट? मानसी मैडम से तो इंग्लिश की क्लासेस आप पढ़े हैं ना, आप मुझे बता सकते हैं मानसी मैम मेरी पार्टनर थी या फिर वो मेरी इम्प्लॉय थी? सर एम्प्लॉय. कैसे अंदाजा लगाया सर? क्योंकि सैलरी बेसिस पे था एंड यू वर द प्रिंसिपल, मैम वाज द एजेंट, इट वाज नॉट वाइस वर्सा. ओके, चलो मैं एक और इससे भी यही सिचुएशन को मैं और बताता हूँ क्लियर. जब हम फरीदाबाद में हमने एस्टैब्लिश करी एकेडमी, तो एक था पार्टनर आई, एक था जी, दो पार्टनर थे, ठीक है, और हमारे पास टीचर भी थे, इंग्लिश के भी टीचर थे, कोई जीके का टीचर था, और देयर वाज अ लॉट ऑफ टीचर, हम क्लैट भी कराते थे तो और भी टीचर थे, ठीक है. तो जैसे इंग्लिश की मैडम हो गई मानसी मैडम, और जीके का वरुण सर थे, और भी एक दो टीचर थे, नाम याद नहीं आ रहे मेरे को, मैथ्स का भी कोई टीचर था, उसका नाम मैं बोल रहा हूँ शशांत या ऐसी कुछ नाम था. सो वी वर टू पार्टनर इंद्रजीत और जी, आई विल नॉट नेम दैट पर्सन नाउ, EGM, हम दोनों के बीच में पार्टनरशिप तो थी, फर्स्ट ऑफ ऑल दो लोगों के बीच में पार्टनरशिप थी इंद्रजीत और जे के बीच में. हमने मानसी मैडम को रखा, इंग्लिश की क्लास लेंगी, मानसी मैडम वॉज ड्रॉइंग अ सैलरी, मानसी मैडम की एक फिक्स्ड सैलरी थी, ठीक है, इनकी फिक्स्ड सैलरी थी. एट द सेम टाइम मैमसी मैम की फिक्स सैलरी तो थी ही, इसके अलावा इनको पर लेक्चर के भी पैसे मिलते थे, पर लेक्चर पर आवर भी पैसा मिलता था इनको. इसके अलावा मानसी मैम के साथ हमारा ये भी था कि अगर बेसिकली मानसी मैम इंग्लिश की क्लास तो लेती थी, एट द सेम टाइम वो रिसेप्शन भी देखते थे. जब वो रिसेप्शन देखते थे तो उनको ये भी था कि आप एडमिशन जब कराएंगे, कुछ एडमिशन जब आपके भी आपसे होंगे तो कुछ पर्टिकुलर 10,000 या 5,000 रुपीज पर एडमिशन आपको मिलेगा, ठीक है. ये सारी चीजें थी, मानसी मैम से हम डिस्कस भी करते थे कि मैडम क्या क्या करना चाहिए, क्या ठीक रहेगा. क्या मानसी मैडम पार्टनर है? नाउ द क्वेश्चन इज दैट, हमने ये भी कहा था मैडम अगर हम फ्लरिश करेंगे ना तो आप भी फ्लरिश करेंगे. इफ वी विल फ्लरिश, INJ अगर फ्लरिश करेंगे तो आप भी फ्लरिश करेंगे, दैट मीन्स हम आपको भी देंगे प्रॉफिट.
क्या मानसी मैडम जो है वो पार्टनर थी या है सिचुएशन? नो सर। बहुत लॉजिक लगाना, अगर आपने ये सॉल्व कर दिया ना तो आई एम श्योर आपका पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैं अपनी सिचुएशन बता रहा हूँ। क्योंकि अब जो चीज जो फील मेरे को हो रहा है, जैसे अगर मैं पार्टनरशिप की बात कर रहा हूँ, व्हाट आई एम फीलिंग आई एम लेटिंग इट इन, मैं आपको बता रहा हूँ क्या ये पार्टनरशिप है, मानसी मैम पार्टनर है? यस सर। बताइए कौन कौन यस कह रहा, जल्दी बता दीजिए मुझे। दूसरा बताइए, मैं आवाज से समझ चुका हूँ किसका यस है, जल्दी बताइए। और बताइए सीमा सर, डिसीजन मेकिंग में भी मैम इन्वॉल्व थी? डिसीजन मेकिंग में नहीं थी, डिसीजन मेकिंग में नहीं थी, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट वाज ऑफ। पर सर जैसे आपने बोला कि अगर वो भी बच्चे लेकर मतलब उनकी तरफ से अगर बच्चे आ रहे हैं तो फिर उनको भी कुछ पर स्टूडेंट आपने जैसे बोला 10,000 रुपीज मिलेंगे, तो वहाँ पे अपना वो स्किल एंड अपना वो इन्वॉल्व तो दिख रहा है। इसको बोलते हैं कमीशन। आगे बोलिए, आंसर मिल गया होगा शायद दर्शन। इसको बोलते हैं कमीशन, प्रॉफिट कमीशन मिल रहा है। और बताइए, एक बहुत अच्छा केस करेंगे इसके बाद, पहले इस चीज को, ये लाइव एग्जांपल है इसलिए आप इसको सॉल्व कर देंगे ना सारे केस सॉल्व हो जाएंगे आपसे। बताइए जल्दी से कौन सर। आई थिंक मानसी मैम वाज ओनली द एम्प्लॉय। ओके, हमने ये भी लिखा था कि भाई फ्लरिश करेंगे तो आपको भी कुछ प्रॉफिट देंगे। शी इज नॉट अ पार्टनर, शी इज नॉट अ पार्टनर, बिल्कुल नहीं हो सकती पार्टनर, ठीक है, ये है ही नहीं पार्टनर। फर्स्ट ऑफ ऑल शी इज विथड्रॉइंग अ सैलरी, चलो ये बात भी अलग है। सैलरी ऐसा भी हो सकता है कि पार्टनर सैलरी लेता हो, ऐसा हो सकता है। शी वॉज गेटिंग अ पर आवर के हिसाब से उनको मिलता था, रिसेप्शन के टीचर तो है ही, वो रिसेप्शन का काम भी संभाल रही। उसके बाद हमने कहा भाई प्रॉफिट भी आपको देंगे। स्टिल आई एम सेइंग इट्स नॉट, शी इज नॉट अ पार्टनर बिकॉज इनका मैनेजमेंट में रोल नहीं था, डिसीजन मेकिंग नहीं था। क्या वो लॉस बेयर कर रही है? लॉस बेयर तो नहीं कर रही है ना, वो लॉस बेयर कर रही है ना, डिसीजन मेकिंग है ना ही। आई और जे ने उनको इस कैपेसिटी में थर्ड पार्टी उससे मिलने दिया कि शी इज अ पार्टनर। ध्यान सुनना, ना ही हमने आई एंड जे ने कभी भी मानसी मैडम को इस रिलेशन तीसरी पार्टी से ऐसे मिलने दिया, ऐसे मिलने दिया जैसे पार्टनर, ऐसे नहीं मिलने दिया, ठीक है। तो शी वॉज, जब कोई लोग आते थे मिलने तो मानसी मैडम के बैठते थे, परमिशन लेते, देन दे यूज टू कम टू अस। तो व्हाट दे पार्टनर के पास क्या पूछ के जाएंगे दूसरे पार्टनर से मिलने? तो शी वॉज, वो इस तरीके से ही ट्रीट होती रही, किया गया कि दैट शी इज एम्प्लॉय, दैट इज इंपॉर्टेंट, दैट इज द रियल रिलेशन बिटवीन द पार्टीज पार्टनर्स। हमें यही तो देखना है रियल रिलेशन क्या है, क्या रिलेशन है आपके बीच में, ठीक है। एक दिन मानसी मैडम आई भी, सर अब तो आपको प्रॉफिट अच्छा हो रहा है, मेरे को दीजिए बेनिफिट। तो हमने बात करी, बेनिफिट भी दिए, तो इसका मतलब क्या पार्टनर बन गए मैडम? हाँ जी, आंसर मिला। बोनसेस भी दी जाती है, जाते हैं एम्प्लॉइज को, तो इट डजंट मीन कि वो, ये सारी चीज आप देखेंगे, आप बहुत सारी जगह जब नौकरियां करोगे तो सैलरी भी मिलेगी आपको, कुछ और काम भी करना पड़ेगा आपको, रिसेप्शन पे भी बिठा दिया जाएगा। मैंने भी जॉब करी है बहुत जगह, मैंने भी रिसेप्शन पे एडमिशन भी करे हैं, लॉ के एडमिशन भी करे हैं, और प्रॉफिट शेयरिंग की भी बात हुई है, कमीशन की बात है। तो क्या मैं एमिटी यूनिवर्सिटी में अशोक चौहान जी का पार्टनर बन जाऊंगा? अगर मैं पार्टनर बन जाऊंगा तो भैया कितनी, पता नहीं कितने हजार करोड़ की संपत्ति है वो मेरे नाम, यानी 50-50 हो जाएगी इफ देर इज नो रिटन एग्रीमेंट। ओरल तो फिर मैं कहूंगा ना ओरल एग्रीमेंट था, इन्होंने मुझे पार्टनर कहा था, तो कहने से लिखने से काम नहीं चलेगा। व्हाट इज द रियल एग्जिस्टेंस बिटवीन द पार्टी, है क्या उनके बीच में? कई बार हम पार्टनर तो लिख देते हैं डॉक्यूमेंट में पार्टनर, अरे पार्टनर हो भी या नहीं ये भी तो कोर्ट देखेगी, ये तो कोर्ट का काम है। Court will try to find out के whether there is a partnership is really in existence or not, that you have to finding out. समझ में आई बात? Is it a good example? I hope आपको इससे समझ में आ गया होगा। तो partner नहीं बन जाता कोई ऐसे, partner ये कब बन जाती मैडम? जब ये कहती है कि हमें loss भी bear कर लेंगे, equal loss भी share करेंगे, decision making में जब हम इनको रखते, जब एक meeting हो रही है उसमें मैडम बैठती अपनी बात रखती,
और इनके बात पे अमल किया जाता या नहीं किया जाता, इन अगर ये कुछ एक्ट करती तो हम लायबल होते। डेफिनेटली मानसी मैडम अगर कुछ एक्ट अब भी करेंगी एम्प्लॉय पे, एम्प्लॉय के रहते अगर वो एक्ट करेंगी तो हम लायबल है ही पार्टनर, बिकॉज हमने उनको अपॉइंट करा, हम तो लायबल होंगे ही, बट देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टनरशिप। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। हाँ जी बताइए जल्दी से, कम ऑन क्विकली। यस सर। ठीक है, और हर्षना वो कमीशन की बात है, ठीक है, कमीशन पे अगर हम किसी को रखते हैं तो वो हमारा पार्टनर नहीं बन जाता है। लेट्स स्टार्ट विद दी, ये हमारे हो गए कितने, 5 पॉइंट हो गए। क्विकली जल्दी से आप बता दीजिए कोई किसी में डाउट है तो। अब हम सेक्शन 5 पढ़ लेते हैं। सेक्शन 5 क्या कहता है, देखो, पार्टनरशिप नॉट क्रिएटेड बाय स्टेटस, स्टेटस से नहीं आती है पार्टनरशिप। द रिलेशन ऑफ द पार्टनरशिप अराइजेस फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट एंड नॉट फ्रॉम द स्टेटस। स्टेटस हियर मींस, जैसे अगर भैया हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, उसमें बच्चा जन्म लेता है, पार्टनर बन जाता है, इक्वल शेयरिंग करता है, इक्वल शेयरिंग करेगा वो फैमिली बिजनेस में जो चल रहा है उसमें इक्वल शेयरिंग है, प्रॉफिट है, एसेट्स है, उसमें इक्वल शेयरिंग है। बच्चा जन्म से ही होता है, इनहेरिटेंस होता है उसका, जन्म से ही वो उसका पार्टनर हो जाएगा। बट पार्टनरशिप जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट की बात कर रहे हैं, इसमें अगर आपको पार्टनरशिप करनी है फॉर द बिजनेस पर्पस, देन डेफिनेटली यू हैव टू कम इनटू द एग्जिस्टेंस थ्रू द व्हाइल मेकिंग एन एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट करें, तभी आप बन पाएंगे। सेम में हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में नहीं होगा, बिकॉज वो स्टेटस से आती है। एंड इन पर्टिकुलर द मेंबर ऑफ द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, यहाँ लिखा ही है, कैरिंग ऑन अ बिजनेस एज सच, और द बर्मिश बुद्धिस्ट हस्बैंड एंड वाइफ, इसको आप रट्टा मान लेना यहाँ पर भी जो है सेक्शन 5 में, क्योंकि ये स्टेटस से होता है, हस्बैंड हिंदू वाइफ वो भी जो है बिजनेस करते हैं तो दे विल नॉट बी कंसीडर एज अ पार्टनर, एक्सेप्शन ही समझ लीजिए इसको आप। कैरिंग ऑफ बिजनेस एज सच आर नॉट द पार्टनर इन सच बिजनेस, सिर्फ यही है, सिर्फ ये वर्ड याद रखना, बर्मिश बुद्धिस्ट हिंदू हस्बैंड एंड वाइफ, ठीक है, बर्मिश। लेकिन अगर मैंने आपको ऑलरेडी बताया हस्बैंड और वाइफ बिजनेस कर सकते हैं, हस्बैंड एंड वाइफ बिजनेस कर सकते हैं ना, शादी हो गई, शादी के बाद हस्बैंड एंड वाइफ ने कहा भाई हम बिजनेस करेंगे, दे कैन डू द बिजनेस एंड दे कैन कम इन टू द पार्टनरशिप में आ सकते हैं। या शादी से पहले वो पार्टनर थे, शादी होने के बाद पार्टनरशिप खत्म नहीं हो जाती है, सेक्शन 5 इज ओवर। सर इसके पीछे रीजन ये है क्या कि बर्मीज बोलते हैं इसमें हस्बैंड एंड वाइफ को एक सिंगल एंटिटी माना जाता है? देखो सिंगल एंटिटी तो हमारे लॉ में कहा भी गया, कई जगह कहा गया, लेकिन कुछ चीजों में हम सिंगल एंटिटीज नहीं मानते। लेकिन हाँ मैंने आपको कहा ना, ये लिमिटेड सेंस में सिर्फ बर्मिश बुद्धिस्ट हस्बैंड एंड वाइफ को ही कंसीडर करेंगे आप, अदरवाइज वो हर जगह अप्लाई नहीं होगा। आपसे क्वेश्चन आ जाए हस्बैंड एंड वाइफ कैन बी अ पार्टनर, तो आंसर वुड बी यस और नो, होगा यस, हो सकते हैं। बट अगर आता है क्या बर्मिश बुद्धिस्ट हस्बैंड एंड वाइफ पार्टनर होंगे अगर बिजनेस करते, आंसर वुड बी नो। अब हम पढ़ लेते हैं सेक्शन 6 इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द रियल टेस्ट फॉर फाइंडिंग आउट द पार्टनरशिप, में क्या भाई है भी या नहीं है पार्टनरशिप, कैसे पता लगेगा? कॉक्स एंड किंग में हमने क्या देखा, रियल रिलेशन, रियल इंटेंशन बिटवीन द पार्टीज, पार्टनर्स के बीच में क्या रियल इंटेंशन है। इफ द इंटेंशन इज फॉर डूइंग अ बिजनेस देन ऑफ कोर्स एंड द शेयरिंग ऑफ द प्रॉफिट एंड देयर मस्ट बी अ म्यूचुअल एजेंसी, अगर है म्यूचुअल एजेंसी है, कॉक्स एंड किंग्स का असली रिजल्ट जो है वो म्यूचुअल एजेंसी है, याद रहेगा म्यूचुअल एजेंसी पे फोकस रहा था उस जजमेंट में, कि देयर वाज नो म्यूचुअल एजेंसी, देयरफॉर देयर इज नो, कोई पार्टनर्स नहीं है, ठीक है, चाहे प्रॉफिट एंड शेयरिंग हो रहा है नहीं हो रहा। अब सेक्शन 6 इज वेरी इंपॉर्टेंट, और कैसे पता लगाओगे कि पार्टनरशिप है या नहीं है, इन डिटरमाइनिंग वेदर अ ग्रुप ऑफ पर्सन और इज नॉट अ फर्म, or whether the person is or not a partner is in a firm, regard shall be had to the real relation, underline कर लीजिए, real relation देखना पड़ेगा parties के बीच में क्या real relation है, हमारे I and J के बीच में और मानसी बैंडम के बीच में क्या relation था, real relation आपको ढूंढना पड़ेगा। माना कि she was sharing the profit of the business, she was getting a salary, she was getting per लेक्चर के हिसाब से पेमेंट भी मिल रही थी,
ठीक है, वो बिजनेस हमारे ऑफिस के लिए काम भी करती थी, बच्चों की काउंसलिंग भी कर रही थी जब हमारी एकेडमी चल रही थी उस इन द नेम ऑफ डिफरेंट बैनर, तो शी यूज टू काउंसिल स्टूडेंट, बट वेदर शी इज अ पार्टनर, आंसर इज नो, बिकॉज देयर वॉज अ रियल रिलेशन उनका मैनेजमेंट के डिसीजन लेने में, म्यूचुअल लायबिलिटी में, म्यूचुअल एजेंसी का प्रिंसिपल नहीं था. सो रियल रिलेशन बिटवीन द पार्टीज एज शोन बाय द ऑल रिलेवेंट फैक्ट टेकन टुगेदर. तो हमें क्या देखना पड़ेगा, एक तो रियल रिलेशन और जो सरकमस्टेंसेस फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स ऑल रिलेवेंट फैक्ट हैज टू बी सीन टुगेदर, दोनों को साथ देखना पड़ेगा. अंडरलाइन कर लीजिए, रियल रिलेशन और रिलेवेंट फैक्ट दोनों को देखना पड़ता है टेकन टुगेदर, देन यू कैन फाइंड आउट वेदर देयर इज अ पार्टनरशिप इज ऑट और नॉट. एक्सप्लेनेशन नंबर वन, स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? यस सर. ओके, एक्सप्लेनेशन नंबर वन क्या कहता है, द शेयरिंग ऑफ द प्रॉफिट और ऑफ ग्रॉस रिटर्न्स, शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट और ग्रॉस रिटर्न अराइजिंग फ्रॉम द प्रॉपर्टी बाय द पर्सन, उन लोगों की प्रॉपर्टी है होल्डिंग अ जॉइंट और कॉमन इंटरेस्ट, दो लोग दो को ओनर है या ज्वाइंट ओनर है, उन दो ज्वाइंट ओनर ने एक प्रॉपर्टी से प्रॉफिट आता है उसको वो शेयर करते हैं, Does not itself make such person partner. वो पार्टनर नहीं बन जाते हैं. मैंने आपको बताया था ए और एक बी, ए और बी ने क्या करा, दोनों ने मिलकर एक फ्लैट खरीद लिया, उस फ्लैट को रेंट पे दे दिया, उस फ्लैट को रेंट पे दे दिया, क्या रेंट से होने वाली इनकम जो है वो पार्टनर के लाएंगे क्या? आंसर इज नो. दोबारा सुन लीजिए, एक ए है एक बी है, दोनों ने फ्लैट खरीदा रेंट पे दे दिया, ठीक है, जॉइंट ऑनरशिप है दोनों की, अब उससे जो इनकम आ रही है रेंट, क्या वो पार्टनर्स होंगे, क्या पार्टनर हैं? जल्दी से बताइए, कमान नो नहीं है पार्टनर. रीजन भी, इट वाज अ स्नैप एक्ट ओनली, स्नैप एक्ट हो गया पहले चीज, लेकिन रेंट तो लगातार आता रहेगा ना, यामनी रेंट तो आता रहेगा सर, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहे ना कि एक और प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं फिर उसको रेंट पे दे रहे हैं, That is ये होता है. वो बिजनेस नहीं कर रहे, रेगुलर बिजनेस नहीं कर रहे, कैरिंग ऑन बिजनेस नहीं है, ये मिसिंग है यहाँ पर. उन्होंने तो एक बार एक्ट कर लिया रेंट आता रहेगा, एक बार एक्ट कर लिया रेंट आता रहेगा, लेकिन क्या कर रहे हैं, उनका दोनों का काम ये है खरीदना बेचना, रेंट पे देते रहना, रेगुलरली रेंट पे देते रहना, लेता देना, अगर ये है तो वो बिजनेस होता है, ठीक है, तो वो बिजनेस होगा क्योंकि एक रेगुलर एक्टिविटी हो जाएगी ना, तो बिजनेस के फॉर्म में होगा. और या तो वो ये करे रेंट से, जो रेंट है उससे कुछ पैसा साइड में रख ले, भैया रेंट के बाद हमें रिपेयर भी करनी है चीजें, और जो इंसान आएगा दोबारा आएगा जाएगा तो वो बिजनेस में आएगा. अच्छा एक बात बताओ, होटल इंडस्ट्री जो होती है, होटल एक आदमी का हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, लेकिन दो चार लोग मिलकर भी तो होटल चलाते हैं, लोग आते हैं रहते हैं चले जाते हैं, लोग आते हैं रहते चले जाते हैं, तो क्या वो बिजनेस है या नहीं है? वो बिजनेस है. समझ में आ गया बात? ओयो के रूम जो है, दो पार्टनर ने अगर एक होटल खोल लिया है, फ्रेंचाइजी ले ली है, तो दैट इज कॉल्ड अ बिजनेस, दैट इज कॉल्ड द पार्टनरशिप. लोग आते हैं बुक करते हैं अपना रूम, अगले दिन चले जाते हैं, ठीक है, तो वो बिजनेस होगा, पार्टनर जो चला रहे हैं. बट सिर्फ एक बार हमने रेंट पे दे दिया प्रॉफिट आ गया, दैट इज नॉट अ बिजनेस. एक्सप्लेनेशन नंबर टू क्या कहता है, द रिसीट बाय अ पर्सन ऑफ शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस, प्रॉफिट ऑफ बिजनेस शेयर कर रहे हैं, मानसी मैडम भी क्या कर रही थी, शेयर कर रही थी प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस, और ऑफ द पेमेंट कंटिंजेंट अपॉन अर्निंग द प्रॉफिट. हमने क्या कहा था, मैडम अगर हमें प्रॉफिट होगा तो हम आपको देंगे, कंटिंजेंट अपॉन अर्निंग ऑफ द प्रॉफिट, जितना प्रॉफिट होगा उतना हम आपको देंगे रेशो में, वेरिंग विद द प्रॉफिट अर्न बाय द बिजनेस, अगर बिजनेस कम होगा तो भी हम आपको उस हिसाब से प्रॉफिट देंगे. डज नॉट इटसेल्फ मेक हिम अ पार्टनर, पार्टनर नहीं बना देता है विद द पर्सन कैरिंग ऑन अ बिजनेस. सिर्फ शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट से काम नहीं चलेगा भाई, आप शेयर प्रॉफिट करते हैं इससे काम नहीं चलता. एंड इन पर्टिकुलर द रिसीप्ट ऑफ द शेयर और द पेमेंट, ऐसे लोग जो सिर्फ शेयर करते हैं पेमेंट रिसीव करते हैं, क्या वो पार्टनर हो जाएंगे? आंसर इज नो. पहला पॉइंट, बाय लेंडर, बाय अ लेंडर ऑफ मनी टू पर्सन एंगेज और अबाउट टू एंगेज इन अ बिजनेस. मैंने आपको पहले बताया, कोई साहूकार है जो फाइनेंसर है, सिर्फ पैसा लगाता है बिजनेस में, क्या वो बन जाएगा पार्टनर? आप बताइए आंसर, यस और नो? नो, बिल्कुल नहीं बनेगा. लेकिन
क्या फाइनेंसर, मैंने आपको बताया था, क्या लोन दे रहा है या कैपिटल लगा रहा है? Sir, if he is giving loan, then he is not a partner. If he is contributing capital, then he may be a partner. कैपिटल लगा रहा है, और कैपिटल जो लगा रहा है तो उसका इंटरेस्ट भी है भैया, मैं बिजनेस को अच्छा करूं, फ्लरिश करूं, एंटरटेन करूं, सब चीजों में मेरी लायबिलिटी भी है, प्रॉफिट एंड लॉस भी शेयर करूंगा, पैसा तो लगा ही है, और म्यूचुअल लायबिलिटी भी है, म्यूचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, देन ओनली द लेंडर कैन बी कंसिडर एज अ पार्टनर. इज दैट क्लियर? यस सर. ये जो ए लिखा है, ये जो ए वाली बात लिखी है, ये किससे रिलेट कर रही है? सेक्शन सिक्स की बात है ना ये तो, और सेक्शन सिक्स में क्या लिखा है? रियल रिलेशन बिटवीन द पार्टीज एंड रिलेवेंट फैक्ट हैज टू बी टेकन टुगेदर. समझ में आई बात? सिर्फ लेंडर को ऐसा नहीं कि लेंडर बिल्कुल कभी पार्टनर हो ही नहीं सकता, लेंडर भी पार्टनर हो सकता है, रिलेवेंट फैक्ट को देखना पड़ेगा. इज दैट क्लियर? लेंडर भी पार्टनर हो सकता है, ऐसा मत कर देना कि लेंडर कैन नेवर बी अ पार्टनर. अगर आ जाए ना उसमें एमसीक्यू में तो आंसर इज गलत कर देना. एमसीक्यू में आता है कैन अ लेंडर बी नेवर बी अ पार्टनर, आंसर इज नो, लेंडर कैन बी अ पार्टनर. सेकंड, बाय सर्वेंट और एजेंट एज अ रेम्यूनरेशन. भाई सर्वेंट है, कोई एजेंट है, सिर्फ उनको भत्ता सैलरी लेते हैं, क्या वो पार्टनर हो जाएंगे? कुछ ऐसे सर्वेंट और एजेंट भी है सैलरी के अलावा कमीशन भी लेते हैं, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट भी करते हैं, क्या वो पार्टनर हो जाएंगे? आंसर इज नो, बिल्कुल नहीं होंगे. एक केस कराऊंगा, इसमें बहुत लेटिंग केस है, पहले मैं इसको बैरेक पढ़ा रहा हूँ, देन आई विल जस्ट गो थ्रू विद द केस लॉस. विडो और चाइल्ड ऑफ अ डिसीज पार्टनर, जो इंसान मर चुका है, तीन पार्टनर थे, एक मर गया है, तो उसका जो विडो है, उसकी जो विडो है या उसका चाइल्ड है, क्या वो पार्टनर होंगे? जिनको एन्यूटी जाती है, जिनको पैसा जाता है, तीन पार्टनर थे, भले लोग थे, एक मर गया, दो बचे, दो ने कहा भैया यार ये तो हमारा पार्टनर था, इसके बीवी बच्चे रह गए, इनको हम पैसा देंगे, सालाना पैसा देंगे, 5-6 लाख रुपए दे करेंगे, प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस में से, प्रॉफिट ऑफ बिजनेस में से पैसा देंगे. क्या विडो और चाइल्ड, विडो और चाइल्ड जो बचे हैं दो लोग, क्या ये दोनों लोग जो हैं, इनको प्रॉफिट अगर मिल रहा है बिजनेस से, क्या ये पार्टनर होंगे? जल्दी बताइए, यस और नो. अगर प्रॉफिट मिल रहा है तो यस दे कैन बी. आंसर इज नो, दे आर नॉट द पार्टनर इफ दे आर गेटिंग द प्रॉफिट. अभी ऊपर क्या पढ़ा है, रिसीव्ड ऑफ अ पर्सन ऑफ अ शेयर ऑफ प्रॉफिट, पार्टनर नहीं बन जाते. पार्टनर ये कब बनेंगे? जब अगर उस पार्टनर के मरने के बाद चिल्ड्रन को या विडो को पार्टनर बनाया जाए, नया एग्रीमेंट क्रिएट किया जाए, then only they will be considered as a partner. ठीक है, but profit लेना, अभी एक केस कराऊंगा, इस पर बहुत अच्छा केस है, वो आपको समझा देगा सीधा केस कि भैया प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस विडो ले रही है या बच्चा ले रहा है. एक ऐसे केस था, 5 पार्टनर थे, 7 साल की पार्टनरशिप हुई थी, 4 एक मर गया, 4 बचे, 4 लोग प्रॉफिट देते थे, तो पार्टनर नहीं, कोर्ट ने कहा ये पार्टनर थोड़ी ना है, क्योंकि जब लॉस हुआ तो उन्होंने कहा भाई विडो से और चाइल्ड से भी लो. कोर्ट ने कहा ये तो पार्टनर है ही नहीं, दे आर एग्जीक्यूटेंट ओनली, दे आर रिसीविंग द बेनिफिट ओनली, प्रॉफिट ही तो ले रहे हैं, पार्टनर नहीं है ये. ठीक है यामिनी, केस करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मेरी बात पे क्यों बिलीव करोगे आप, केस दिखाऊंगा ना केस से बिलीव करना. नाउ द डी पॉइंट इज By previous owner or part of the owner of the business. जब एक इंसान जा रहा है, भाई तीन ओनर थे, तीन में से एक जा रहा है, जाते जाते कह रहा है भैया मेरी गुडविल, मैं गुडविल हमें को बेच जाओ. दो लोग जा रहे हैं, सपोज करो दो लोग जा रहे हैं पार्टनरशिप में से, एक तीसरा बंदा कह रहा है ये गुडविल मुझे दे दो, बिजनेस की जो गुडविल है, जो इसकी ख्याति है, जो लोग जानते हैं इस नाम को, मुझे दे दो, ये लो मुझसे पैसा ले लो. तो जब वो पैसा देता है, कंसीडरेशन द सेल ऑफ द गुडविल एंड शेयर देयर ऑफ, क्या वो पार्टनर होंगे? पार्टनर नहीं होगा फिर वो इंसान. ठीक है, तो डज नॉट इटसेल्फ मेक द रिसीवर अ पार्टनर. जो रिसीवर है, जिसको प्रॉफिट मिल रहा है बिजनेस से, पार्टनरशिप बिजनेस से प्रॉफिट जिसको मिल रहा है, वो पार्टनर नहीं कहलाता है विद द पर्सन कैरिंग ऑन अ बिजनेस. ठीक है, ये समझ में आ गया आप लोगों को? 4 पॉइंट है, 100% एमसीक्यू क्वेश्चन आता है यहां से, बहुत इंपॉर्टेंट है ये.
इन चारों को आपको लिख के दे देंगे, आपको ढूंढना पड़ेगा। चाहे तो इस पे 10 बार आप निगाहें मार लेना, यू हैव टू गो थ्रू विद इट अगेन एंड अगेन। इसको याद कर लीजिए बिल्कुल। अब हम करते हैं इन चारों पॉइंट को डिस्कस करते हैं, एक्सप्लेनेशन दोबारा से डिस्कस करते हैं विद द केस लॉज। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बात करी सेक्शन 6 में। सेक्शन 6 क्या है, इसमें रियल रिलेशन देखना पड़ेगा। व्हाट इज अ टेस्ट फॉर फाइंडिंग आउट, देयर मस्ट बी रियल रिलेशन देखना पड़ता है प्लस रिलेवेंट फैक्ट, तभी तो आप बता पाओगे कि भैया इनके बीच में पार्टनरशिप है या नहीं है। ऑलरेडी हम कॉक्स एंड एकमैन कर चुके हैं, इसमें हमने क्या देखा, रियल इंटेंशन और रियल रिलेशन क्या है। रियल रिलेशन मैंने आपको बताया, रिलेशन किस चीज का देखते हैं, म्यूचुअल एजेंसी का देखते हैं, तो म्यूचुअल एजेंसी होनी चाहिए, देन ओनली दे वुड बी कंसीडर्ड एज अ पार्टनर। हमने पहली वाली इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ी, एक्सप्लेनेशन नंबर 1 क्या कहती है, प्रॉफिट और रिटर्न फ्रॉम द जॉइंट ऑनर्स, प्रॉफिट और रिटर्न्स फ्रॉम जॉइंट ऑनर। दो लोग जॉइंट ऑनर हैं, प्रॉफिट को शेयर करते हैं, मैं बता चुका हूं आपको, ठीक है। इसमें क्या है, दो लोगों ने क्या करा, प्रॉफिट शेयर करा, ए और बी ने रेंट पे दे दिया मकान, पार्टनर नहीं होंगे प्रॉफिट हो रहा है तो, लेकिन रेंट से कुछ अमाउंट वो साइड में रखते हैं ताकि फ्यूचर में रिपेयर वगैरह भी करना है, और अब इस एक्टिविटी को खरीदते हैं, हमें रेंट पे बार बार दे रहे हैं, कंटिन्यूसली दे रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं हम, ठीक है। अगर रेंट की बात आई है तो रेंट एग्रीमेंट जो आपने पता होगा, आजकल एक नया कोड भी आ रहा है रेंट से संबंधित, ठीक है, उसका कम से कम एक आइडिया होना चाहिए आपको किस बारे में बात करता है। टेनेंसी जब हम बनाएंगे तो एग्रीमेंट रिटर्न में होना चाहिए, राइट, इस पे फोकस किया जा रहा है कि लिखित में होना चाहिए। बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज होंगे, और इसका देखो, इसका रिटर्न का कितना फायदा होता है, मैं अपने एग्जाम्पल बताता हूँ। मैंने अपने एक टीनेंट अभी रखा था कुछ दिन पहले, किराएदार थे वो, अब वो कोरोना के चलते उनके पास इतने पैसे नहीं है, तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, आप रहो, आप रहना स्टार्ट करो, दे देना बाद में। हमने इतना कहा ना ही हमने कोई रेंट एग्रीमेंट बनवाया, उन्होंने कुछ अमाउंट दिया था, मैंने कहा कुछ तो अमाउंट आपको देना पड़ेगा अदरवाइज ऐसे कैसे, लेकिन फिर भी कोरोना के चलते भाई इनकम नहीं है लोगों के पास, हमने कहा चलो ठीक है रह लो आप। अब होता क्या है, जिस दिन वो कुछ पेमेंट देने आए रिमेनिंग पेमेंट देने आए, तो मैंने उनसे कहा भैया आप लोगों का जो एग्रीमेंट है ना, वो 4th of May से आप रह रहे हो, ये मैं आपको रियल सिनेरियो बता रहा हूँ। मैंने कहा आप 4th May से रह रहे हैं, तो रेंट एग्रीमेंट इस डेट से मैं आगे की डेट से बनवा लूंगा, 4th May से ही बनवा लूंगा, यानी मई की जगह जून स्टार्ट हो गया था तो अब जुलाई है, मैंने कहा चलो मैं 4 जुलाई से बनवा लूंगा रेंट एग्रीमेंट, ये 2 महीने विदाउट एनी रेंट एग्रीमेंट रह रहे थे। अब ये बंदा 4 जुलाई को मुझसे कहता है, मतलब अभी मैंने जब रेंट एग्रीमेंट बनवाने की बात करी, कहता है सर हम तो 8 मई से आए थे। अब ये कह रहे मुझसे, हम 8 मई को आए थे, ये 4 दिन कहां गए। इसलिए कहते हैं भैया ओरल चीजों को नहीं करना चाहिए, बेवकूफी होती है, इसलिए कहते हैं रिटर्न कर लेना चाहिए। मुझे तो पता है मैं 8 मई को 4 मई को आए, लेकिन वो कह रहा है सर 8 मई को आए, लेकिन बाद में मैंने उसको कई चीजें दिखाई, मैंने कहा देखो ये फोन आपको कौन सी डेट को आया है, प्रूफ करनी पड़ी ना। अगर मेरे पास फोन नहीं होता, कुछ और चीज नहीं होती, तो भैया वो तो अपनी बात पड़ जाता, मैं अपनी बात पड़ जाता, इसके चक्कर में कॉन्ट्रोवर्सी आती, कंफ्लिक्ट हो जाता, प्रॉब्लम क्रिएट होते, तो देयरफॉर लिख लो, एविडेंस सेट याद आ रहा होगा, ठीक है, लिख लेना चाहिए चीजों। ओके, सो प्रॉफिट एंड रिटर्न फ्रॉम द जॉइंट ओनर, को इन दोनों ने अमाउंट को साइड में रख लिया और आगे भी रेंट पे देते रहेंगे, ऐसा नहीं कर रहे कि एक बार रेंट आके साइड में निकल लेते हैं,
टेक केयर करते हैं, म्यूचुअल लायबिलिटी लेते हैं, देन ऑफ कोर्स इट कुड बी अ बिजनेस एज अ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप का बिजनेस हो सकता है फिर वो, ठीक है। तो इफ द ओनर डज नथिंग मोर देन टेक ए शेयर, अगर सिर्फ शेयर लेके चले जाते हैं नहीं अपना, तो ये पार्टनरशिप नहीं होगी। बट अगर ये कॉमन स्टॉक में डालते हैं, पार्टनरशिप का एक फंड बना रखा है इन्होंने, पार्टनरशिप फंड, उसमें पैसा डालते हैं, आने वाले फ्यूचर में लॉसेस हैं उससे रिकवर करेंगे पार्टनरशिप कॉमन स्टॉक से, देन इट वुड बी अ पार्टनरशिप होगी फिर। क्लियर है? हाँ जी, आई होप क्लियर हो गया होगा। सर ये कह सकते हैं कि री इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। देखो री इन्वेस्टमेंट, इसको री इन्वेस्टमेंट ना करके कह सकते हैं भाई एक फंड क्रिएट होना चाहिए, फंड क्रिएट करें जिसमें फ्यूचर में प्रॉफिट एंड लॉस को वहां से बेयर करेंगे, ठीक है। इट कैन बी सेन री इन्वेस्टमेंट, अगर हम कहेंगे री इन्वेस्ट, दोबारा से इन्वेस्ट करेंगे पैसे को। हाँ री इन्वेस्टमेंट अगर लिमिटेड सेंस में कह सकते हैं कि उससे वो बिजनेस करें, इफ देयर इज अ बिजनेस, बिजनेस होना चाहिए ना, बिजनेस के साथ वर्ड जुड़ा हुआ कैरिंग ऑन, वो इंपॉर्टेंट है। अब हम करते हैं, ये तो हमारी फर्स्ट एक्सप्लेनेशन हो गई, सेकंड एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सेकंड एक्सप्लेनेशन डील करती है प्रॉफिट शेयरिंग बाय नॉन पार्टनरशिप इंटरेस्ट, एक्सप्लेनेशन नंबर टू। हमने बात करी हर इंसान जो प्रॉफिट शेयर करता है वो पार्टनर नहीं हो जाता है, प्रॉफिट तो वो शेयर कर रहा है, प्रॉफिट तो शेयर करता है बट पार्टनर नहीं बन जाएगा। क्यों? बाय नॉन पार्टनरशिप इंटरेस्ट, क्योंकि उसका पार्टनरशिप का इंटरेस्ट ही नहीं है। हमें ये तो देखना पड़ेगा कि हमने उसको किस कैपेसिटी में वो प्रॉफिट ले रहा है, कैपेसिटी क्या है, कैपेसिटी एज अ पार्टनर ले रहा है या एज अ सैलरीड पर्सन ले रहा है। तो एक्सप्लेनेशन नंबर टू साफ साफ कहती है मेयरली पार्टिसिपेटिंग इन द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस, प्रॉफिट ऑफ बिजनेस में पार्टिसिपेट करने से कोई पार्टनर नहीं बन जाता है, ये बेसिक रूल है, ठीक है। प्रॉफिट, बिजनेस के प्रॉफिट में शेयर लेने से, प्रॉफिट ऑफ बिजनेस में शेयर लेने से कोई पार्टनर नहीं बन जाता है, ठीक है। अब एक बात बताओ, सपोज एक ऑथर है, उसने एक अपनी किताब लिखी, एक ऑथर है उसने अपनी किताब लिखता है, इस बुक को उसने लिखा और इस बुक को पब्लिश करवाया पब्लिशर के जरिए, पब्लिशर इसको पब्लिश करता है। अब पब्लिशर जितनी किताबों की सेल होगी उसके बाद रॉयल्टी देगा, रॉयल्टी आती है ना किताबों के बिकने के बाद, तो ये रॉयल्टी ऑथर के पास जाती है। क्या ये पार्टनरशिप है? इज इट अ पार्टनरशिप? नो नो, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट तो लग रहा है ना, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट तो है बट ये पार्टनर नहीं है, बड़ा बड़ा क्रॉस लिख लेना। ऑथर के पास रॉयल्टी आ रही है, देखो किताबें बिकती है, पब्लिशर को फायदा होता है, पब्लिशर प्रॉफिट में से ऑथर को रॉयल्टी देता है, दैट इज नॉट अ पार्टनरशिप। ऑथर का रोल क्या था? ऑथर ने किताब लिख दी, पब्लिशर को दे दी, पब्लिश हो गई। बट लेकिन आप वो लोग पार्टनर होंगे जो इस पब्लिशर को, इस पब्लिशिंग कंपनी को चलाते हैं, दो ए और बी जो चला रहे हैं, ये पार्टनर होंगे क्योंकि ये इसका प्रॉफिट लॉस मैनेजमेंट म्यूचुअल एजेंसी सब चीज देखते हैं, बट ऑथर इज नॉट पार्टनर, ठीक है। अब हमने इसमें जो हमने एक्सप्लेनेशन नंबर टू पढ़ी थी, इसमें चार पॉइंट थे। सबसे पहला जो पॉइंट था, दैट इज अ लेंडर ऑफ मनी, मनी लेंडर, केस लॉ भी करेंगे अब, मनी लेंडर जो साहूकार होता है वो पैसा लगाता है बिजनेस में और उसके बाद ये भी कहता है मैं प्रॉफिट भी लूंगा। कई बार एक आदमी होता है मनी लेंडर जो होता है, ऑफकोर्स ही बात है जब फाइनेंस करता है तो कुछ परसेंट, जैसे 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पर एनम के हिसाब से वो पैसा लेता है, बट इसके साथ साथ कहता है भाई मैं शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट भी लूंगा, प्रॉफिट होगा तो मुझे देना पड़ेगा। क्या ये पार्टनर हो जाएगा? आंसर इज नो, आंसर इज नो, ठीक है। हमने देख लिया इसका एग्जाम्पल कौन सा देखो आप, आप सबसे बेस्ट एग्जाम्पल या बेस्ट केस लॉ कौन सा लिख सकते हैं? कॉक्स एंड हिकमैन लिख सकते हैं, उसमें भी तो यही हुआ है।
ऑक्शन एग्रीमेंट में जो मनी लेंडर यानी क्रेडिटर थे, क्रेडिटर पहले तो उन्होंने पूरा टेक ओवर कर लिया बिजनेस, उसके बाद कहते हैं कि भाई ठीक है हम प्रॉफिट जो आएगा अपने में बांट लेंगे, तो शेयरिंग ऑफ द प्रॉफिट से काम नहीं चलेगा। अच्छा जो मैं बात करूं से बिजनेस टेक ओवर कर लेना, ये सरफेसी एक्ट तो आपने पढ़ा होगा ना, उसमें भी टेक ओवर होता है वैसे, ठीक है हम इसमें जा नहीं रहे, बस आपको आइडिया बता रहा हूँ। बिजनेस जैसे हम टेक ओवर कर लेते हैं किसी का कि हम चलाएंगे, मैनेजमेंट हमारे हाथ में दी है, तो पार्टनर नहीं बन जाते हम। अब एक केस कराता हूँ मैं, बहुत बढ़िया इंटरेस्टिंग केस है इस पे, मनी लेंडर पे। एक केस था, केस का नाम है मॉल मालू मार्च एंड कंपनी वर्सेस कोर्ट ऑफ वार्ड वर्सेस कोर्ट ऑफ वार्ड्स, बहुत ही लीडिंग केस रहा था 1872। अब इस केस में हुआ क्या, ये जो मालो मार्श एंड कंपनी है, एक राजा जी थे, हिंदू राजा थे, इन्होंने ब्रिटिश कंपनी को, ब्रिटिश की फर्म थी, उनको लोन दिया, ब्रिटिश फर्म को फाइनेंस दिया, मनी लेंडर था राजा, पैसा दिया ब्रिटिश को, ब्रिटिश फर्म को। ब्रिटिश फर्म ने क्या करा भाई, राजा को बहुत सारे राइट्स भी दे दिए कि यू कैन कंट्रोल द बिजनेस, आपके पास अधिकार होगा, कंट्रोल इंस्पेक्ट कर सकते हैं, बट राजा ने कभी अपनी इस पावर को एक्सरसाइज किया नहीं, पावर को एक्सरसाइज नहीं किया। ब्रिटिश फर्म का एक कॉन्ट्रैक्ट होता है मैलो मार्श एंड कंपनी के साथ, फर्म को कुछ सप्लाई करना था, फर्म फेल हो जाती है, फर्म ने सप्लाई नहीं कर पाई, अपने कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल नहीं कर पाए, ठीक है। फर्म का कॉन्ट्रैक्ट होता है मैलो मार्श एंड कंपनी के साथ, बट फर्म, ब्रिटिश फर्म कुछ चीजें सप्लाई नहीं कर पाई, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है फेल। मार्श मैलो एंड कंपनी सूट फाइल करती है, मार्श मैलो एंड कंपनी ने दावा डाला ब्रिटिश फर्म पे एंड राजा पे भी। क्वेश्चन अराइजेस, मार्श मैलो एंड कंपनी ने राजा पे क्यों केस डाल दिया? मार्श मैलो कंपनी ने कहा कि जो राजा है वो तो पार्टनर है, इसलिए हम तो इस पे भी केस डालेंगे। उल्टा मैं बोल रहा हूँ, मालो मार्श उसने कहा भैया ये तो पार्टनर है, तो ब्रिटिश फर्म पे भी केस फाइल करा और राजा पे भी, दोनों पे, दोनों को पार्टी बनाया। Now you guys please tell me whether the Raja is the partner or not. No, sir. Raja is not the partner of British firm. Reason being, राजा ने इसे पैसा क्या दिया है? पैसा फाइनेंस ही तो किया है। माना कि ब्रिटिश फर्म ने राजा को अधिकार दे रखा था कि आप कंट्रोल करेंगे फर्म को, राजा ने अपनी पावर को तो कभी एक्सरसाइज किया ही नहीं, राजा नेवर एक्सरसाइज पावर। और अल्टीमेटली ये देखा गया, राजा क्या पार्टनर है? राजा तो पार्टनर निकला ही नहीं। राजा और ब्रिटिश फर्म के बीच में सिर्फ एक ही रिलेशन था, डेटर एंड क्रेडिटर का, डेटर एंड क्रेडिटर, दे आर नॉट द पार्टनर्स, ठीक है। जैसे कॉक्स एंड इकमैन में अप्लाई हुआ, वैसे यहां पे अप्लाई हो गया। तो राजा और ब्रिटिश फर्म, दे आर नॉट द पार्टनर बट ओनली अ रिलेशन ऑफ क्रेडिटर एंड अ डेटर, ठीक है। और ये जो अब इस दौरान इन्होंने, ब्रिटिश फर्म ने कुछ अपनी प्रॉपर्टी मॉर्गेज भी रखवाई दी थी राजा के खिलाफ, राजा के फेवर में। ऑफ कोर्स ये बात है, कोई पैसा देगा तो कुछ गिरवी भी रखवाएगा ना, बट थर्ड पार्टी को तो राजा पार्टनर लग रहा है, सू कर दिया। अल्टीमेटली कोर्ट ने देखा राजा इज नॉट अ पार्टनर। इज दैट क्लियर? केस क्लियर है ये? अब एक चीज आप समझ लेना, सिर्फ डीड में, पार्टनरशिप डीड में पार्टनर लिखने से पार्टनर नहीं बन जाता है, या कह देने से पार्टनर नहीं बन जाता है, कह देने से पार्टनर नहीं बन जाता है। कोर्ट हैज टू फाइंड आउट क्या इनके बीच में रिलेशन है या नहीं है,
क्या इनके बीच में रिलेशन है भी या नहीं है, समझ में आती है बात? इंटेंशन देखनी पड़ेगी, रिलेशन देखना पड़ेगा, सरकमस्टेंसेस देखने पड़ेंगे, सारी चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है। कोर्ट का यही तो काम है कि इनके बीच में पार्टनरशिप है भी या नहीं है। एक डॉक्यूमेंट में तो पार्टनर लिख दिया। अभी हम एक केस ऑलरेडी कर चुके हैं जिसमें मैंने आपको बताया बिजनेस स्टार्ट ही नहीं हुआ। जब बिजनेस स्टार्ट ही नहीं हुआ तो पार्टनरशिप कहां से आ जाएगी? एग्रीमेंट तो बना लिया, पार्टनरशिप तो एग्जिस्टेंस में आई नहीं। ओके ठीक है, अब एक केस और कर लेते हैं, छोटा सा केस है, वो भी मनी लेंडर से ही संबंधित है, क्योंकि मुझे लगता है 20 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसी भी तरीके से सिचुएशन को ट्विस्ट कर कर। एक केस था पुली वर्सेस ड्राइवर, पुली वर्सेस ड्राइवर। अब इस केस में भी क्या था, एक सी इंसान है जिसने अपना पैसा लगाया है, 200 pounds लगाए बिजनेस में, मतलब बिजनेस में नहीं लगाया डायरेक्टली, इन्होंने इसी ने ए और बी को पैसा एडवांस दिया है, ठीक है, यानी उधार दिया है। सी ने ए और बी को पैसा एडवांस दिया है और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी इनके बीच में तय है, बट सी के पास जो है एक अधिकार है, वो सारी किताबों को इंस्पेक्ट कर सकता है, अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर्स देख सकता है, और इनकेस अगर ये जो इनने 2500 pounds जो दिए, अगर इसकी रिकवरी प्रॉफिट में से होगी, प्रॉफिट में से रिकवरी होगी इसकी, और अगर लॉस हो जाएगा तो इसको इससे ज्यादा अमाउंट नहीं दिया जाएगा, लॉस भी बेयर करेगा लेकिन इससे ज्यादा बेयर नहीं करेगा, 250 pounds से ज्यादा नहीं बेयर करेगा। इसका सी का जो कंट्रोल है वो बिजनेस में भी है, कंट्रोल भी है, लॉस भी बेयर कर रहा है कहीं ना कहीं देखा जाए तो क्या ये जो इस केस में देखा गया, क्या ये पार्टनर्स हैं, क्या सी पार्टनर है? कोर्ट ने कहा सी इज अ पार्टनर। रीजनिंग क्या थी पार्टनर कहने की सी को? रीजनिंग कोर्ट ने कहा अगर कभी पैसा एडवांस दिया जाए, जब पैसा एडवांस दिया जाता है, लेंडर अगर रिस्क उठा रहा है, लेंडर जो अगर रिस्क उठा रहा है इन द बिजनेस, तो हमें यह देखना है कि जो लेंडर जो एडवांस पैसा दे रहा है, क्या वो लोन के फॉर्म में दे रहा है या कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा है। इफ इट इज अ कैपिटल एंड इज टेकिंग अ रिस्क ऑन द कैपिटल, देन इट इज अ पार्टनर और उसका म्यूचुअल एजेंसी है या नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। तो मनी लेंडर है तो हमने किस केस से ये बात और समझ ली कि मनी लेंडर पैसा अगर लगाता है तो ही कैन बी अ पार्टनर, बशर्ते वो प्रॉफिट एंड लॉस और म्यूचुअल एजेंसी के क्राइटेरिया को फुलफिल करते, ठीक है? सर आपने क्या बोला कि एडवांस दे रहा है तो फिर वो पार्टनर नहीं है, अगर वो एडवांस सिर्फ एडवांस दे रहा है, ऐसे पैसा दे रहा है तो वो पार्टनर नहीं है, बट उसका कंट्रोल कितना है, म्यूचुअल एजेंसी है या नहीं है, तो फिर अब वो मनी लेंडर नहीं रह जाता, ही बिकम्स अ पार्टनर। और पार्टनर कैसा हो सकता है? पैसा लगाने वाला आदमी जरूरी थोड़ी ना कि एक्टिवली पार्ट करे, इट कैन बी अ डोरमेंट पार्टनर। समझ में आई बात? मैंने ये कहा था आपसे कि एक होता है लोन देना, भैया लोन देके अपना, भैया तुम अपना बिजनेस चलाना, हमें क्या मतलब, मुझे तो इंटरेस्ट दे देना, क्या पार्टनर हो गया वो? भाई मैं बिजनेस स्टार्ट करूंगा, मेरे पास तो इतना पैसा नहीं, मैं तो लोन लूंगा, तो लोन जो दे रहा है HDFC बैंक, क्या पार्टनर हो गया? HDFC बैंक पार्टनर नहीं होता, बट HDFC अगर, सुनिए पहले आप, अगर HDFC बैंक मुझे पैसा दे रहा है, पैसा दे रहा है, एडवांस दे रहा है, एडवांसेस का मतलब यहाँ पे पैसा है लोन के फॉर्म में, ठीक है, हर किसी की एक लिखने का तरीका लैंग्वेज अलग होती है, तो HDFC बैंक ने अगर मुझे पैसा दिया है और HDFC बैंक मेरे साथ पार्टनरशिप में इस फॉर्म में आया है कि आप प्रॉफिट एंड शेयर भी देंगे मुझे, और HDFC बैंक मेरी इंस्पेक्शन कर सकता है किताबों को जब मन करे, HDFC बैंक लॉस भी बेयर करने के लिए रेडी है, देन HDFC बैंक इज अ पार्टनर, ठीक है? सर अगर एडवांस दिया है, एडवांस दिया है प्लस में कंट्रोल एंड म्यूचुअल एजेंसी है, देन इट विल बी अ
देर इज अ पार्टनरशिप, लेकिन अगर सिर्फ कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया है देन तो भी वो पार्टनरशिप होगी, तो भी वो पार्टनरशिप है। कहां से पार्टनरशिप है? अगर कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया है तो आप एक बार बताओ आपके पास आज कितने बैंक में कितने पैसे पड़े हैं? 5-6 लाख रुपए होंगे। अगर 5-6 लाख रुपए आप मुझे दे दो तो मेरे पार्टनर बन जाओगे? मैं कहूँ अर्चना मुझे 5 लाख रुपए दे दीजिए, आप पार्टनर बन जाएंगे क्या मेरे? तो आपको मैं बैंक मान रहा हूँ या आपसे मैं पैसा ले लेता हूँ, आप मनी लेंडर है तो आप मेरे पार्टनर बन जाएंगे? जो मैं इस क्लासेस से प्रॉफिट कमाता हूँ क्या आप उसमें शेयरिंग, तो पार्टनर बन जाएंगे आप? आंसर इज नो। एडवांस देना, लोन देना पार्टनर नहीं होता। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, लोन देना एडवांस देना ये पार्टनर नहीं होता है। बट कोई इंसान जब पैसा दे रहा है उसका उसमें कंट्रोल कितना है, उसका पार्टिसिपेशन कितना है, ठीक है, कंट्रोल कितना है, पार्टिसिपेशन कितना है, अगर वो इन्वॉल्व है, अगर हर्षना इन्वॉल्व है, सर मैं भी क्लास लूंगी, मैं भी क्लास लिया करूंगी, और सर लॉस होगा तो आप मुझे 5 लाख की जगह 3 लाख ही दे देना, ठीक है, तो आप पार्टनर कहलाओगे। सिर्फ पैसा देने और से सर आप अगर मिल अगर जाओगे। आपने कोचिंग चलाई है और मैंने उसमें अपनी बिल्डिंग दी है कि आप मेरी बिल्डिंग में अगर आप अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट, तो वहां पे मैं आपको कैपिटल तो दे रही हूँ, हाँ बिल्कुल हो सकता लेकिन है पार्टनर, लेकिन सिर्फ कैपिटल लगाने से ही? क्या कैपिटल लगाने से पार्टनर हो जाएगा कोई? म्यूचुअल एजेंसी होनी चाहिए, द रियल टेस्ट इज म्यूचुअल एजेंसी। ये पुरानी डेफिनेशन थी, आप जो कह रहे हैं ना मैंने सर कैपिटल लगा दी, कैपिटल लगाने वाले बिल्कुल पार्टनर हो सकते हैं, वो डोरमेंट पार्टनर होंगे आप, डोरमेंट। बट लेकिन अगर आप कैपिटल लगा रहे हैं, आपने बिल्डिंग लगा रहे हैं, तो लॉस होगा तो भाई बिल्डिंग को भी तो लॉस बेयर, आपको भी तो लॉस बेयर करना पड़ेगा। लेकिन जरूरी नहीं कि लॉस बेयर करोगे तभी पार्टनर बनोगे, क्योंकि लॉस बेयर करना इट्स नॉट अ एसेंशियल कंडीशन टू कमिंग इनटू द पार्टनरशिप। यू कैन बी अ पार्टनर। आप मुझसे कह रहे कि सर मैं आपको बिल्डिंग दे रही हूँ लेकिन जब प्रॉफिट मैं लूंगी, ठीक है, प्रॉफिट भी लूंगी और मैं क्या नाम है, मैं पर्टिकुलर बिल्डिंग तो मेरी होगी, मैं प्रॉफिट भी लूंगी, मैं किताबें भी इंस्पेक्ट कर सकती हूँ, जब मन करेगा तब आएंगे, चेक भी करूंगी, कंट्रोल भी होगा मेरा, डिसीजन मेकिंग भी होगा, देन यू वुड बी द पार्टनर। सिर्फ बिल्डिंग दे देने से, सिर्फ बिल्डिंग ही दे देने से पार्टनर नहीं बन जाता कोई। तो सर इन बोथ द केसेस, ये वाले जो आपने बताए कंट्रोल मैनेजमेंट इंस्पेक्शन ऑफ अकाउंट, तभी वो दोनों दोनों ही चीज में, चाहे एडवांस हो चाहे कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो, तभी वो पार्टनरशिप होगा, जब ये म्यूचुअल एजेंसी वाला कॉन्सेप्ट अगर म्यूचुअल होगा। एजेंसी इज द, बिल्कुल म्यूचुअल एजेंसी इज द लास्ट एंड द फाइनल टेस्ट। एक बात बताओ, देखो आपकी नजर में आ रहा होगा सर मैं बिल्डिंग तो दे रही हूँ, ये अर्चना ने मुझे अपनी बिल्डिंग दे दी, सर इसमें कोचिंग चलाई है, मैं चला रहा हूँ कोचिंग, ये इंद्रजीत है, मैं कोचिंग चला रहा हूँ इस बिल्डिंग में, ठीक है, हमने डेट भी बना ली भैया, डेट बन गई, पार्टनरशिप डेट बन गई, इंद्रजीत को बहुत करोड़ों का प्रॉफिट हो गया, अर्चना कह रही है सर प्रॉफिट दो, मैं कहूंगा काय का प्रॉफिट दूं, अरे बिल्डिंग की वैल्यू तो 20,000 रुपए पर मंथ है और यहाँ करोड़ों का प्रॉफिट है। मैं सबसे पहले कोर्ट जाऊंगा, मैं कहूंगा आप जाओगे कोर्ट, सर 50 लाख रुपए की बात बन रही है ना भाई, अगर सपोज मैंने 1 करोड़ रुपए कमानी है बिल्डिंग की पर मंथ रेंट पे लेता तो 20,000 मिलते, बट लेबर सारी मेरी, स्किल मेरी, मैं क्लास ले रहा हूँ, आपने तो 20,000 की बिल्डिंग दे दी, रिस्क आपने भी उठाया, अल्टीमेटली मैंने 2-3 महीने में 1 करोड़ रुपए कमा लिए, आप लेकिन आप मुझसे मांग रहे हैं सर प्रॉफिट। मैंने कहा किस बात का प्रॉफिट अर्चना, तुम्हारी बिल्डिंग की कॉस्ट 20,000 रुपए पर रेंट, पर मंथ पे रेंट पे लेता हूँ, आप जाओगे कोर्ट में, कोर्ट अब ये देखेगी भैया क्या आप पार्टनर हो या नहीं हो ना, कोर्ट हैज टू सी द रिलेशन, कोर्ट हैज टू सी द म्यूचुअल एजेंसी, ये अगर कोर्ट नहीं ढूंढ पाई तो आप पार्टनर नहीं है, आपको सिर्फ 20,000 मिलेंगे, ठीक है अर्चना? यस सर। अल्टीमेटली तो मैं कोर्ट में जाना है ना, आप जाओगे ना, मैं तो कह दू मैं काय के दू, मैं आपको 50 लाख रुपए दे दू, अगर साल भी अगर आपने मुझे 20 लाख की बिल्डिंग दे दी तो 2,40,000 रुपए हो रहे हैं और आप मुझसे क्लेम कर रहे हो 50 लाख, तो किताबों में पेपर पे लिख देने से पार्टनर नहीं बनता, ये मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है, पेपर में पार्टनर लिखने से पार्टनर नहीं बन जाएगा, अल्टीमेटली जब चैलेंज होगा कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट देखेगा भैया पार्टनर है भी है नहीं है, ठीक है,
तो ये वाला जो केस है पुणे वर्सेस ड्राइवर में हमने ये देखा है कि हाँ इंस्पेक्शन की पावर है, कंट्रोल भी है, लॉस भी, प्रॉफिट भी, तो भैया पार्टनर कहलाएगा वो। आई होप क्लियर हो गया होगा। Yes, sir. जल्दी से एक और पॉइंट, बी पॉइंट जो है इसका, सर्वेंट और एजेंट। थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है, 15-20 मिनट में टॉपिक खत्म कर लेंगे, हमको एक फ्लो है उसको खत्म करना है। सर्वेंट और एजेंट रिसीविंग प्रॉफिट, देखो दिखने में तो आप अपनी जगह ठीक थे सर, हम कैपिटल लगा रहे हैं, हम पार्टनर हो गए, लेकिन आपके पार्टनर कहने दे से पार्टनर थोड़ी ना बन जाएंगे। नाउ सर्वेंट एजेंट रिसीविंग प्रॉफिट, अगर सर्वेंट और एजेंट रिसीव करते हैं प्रॉफिट, प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस में, प्रॉफिट ऑफ बिजनेस जो है उससे प्रॉफिट हो रहा है और उसमें सर्वेंट और एजेंट को भी जाता है, या सर्वेंट और एजेंट को सैलरी किस बेस पे मिलती है कि प्रॉफिट होगा तो आपको सैलरी मिलेगी, ऐसे भी हो सकता है, तो क्या ये पार्टनर हो जाएंगे? आंसर इज नो, बहुत बड़ा बड़ा नो है, ठीक है, आंसर नहीं होंगे, ये नहीं होंगे। और ऐसा भी हो सकता है भैया मैं अपने सर्वेंट को, मैं अपने एजेंट को, भैया बड़ा अच्छा काम करे, अच्छा काम करे इसलिए मैं क्या कहूंगा, भैया ठीक है प्रॉफिट होगा तो मैं तुम्हें कमीशन भी दूंगा, जैसे मैंने कहा था मानसी मैडम को, इफ यू फ्लरिश यू विल फ्लरिश, इसका मतलब थोड़ी ना वो पार्टनर बन जाएंगे। एक बहुत ही लीडिंग केस है, बहुत अच्छा केस है, दैट विल ओपन योर माइंड। वॉकर वर्सेस बोलेंगे, रिश बोलेंगे, वट एवर इट इज, 1884, ठीक है, सो वेरी लीडिंग केस। अब आप मुझे बताना, मैं आपको इसके फैक्ट्स रखता हूँ, आप मुझे बताना क्या पार्टनर है या नहीं, और इसका आंसर मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ, अगर इसका आंसर नहीं दिया तो भाई पार्टनरशिप आपको समझ में नहीं आई जितना अभी तक समझे आप। प्लेंटिव था इस केस में जो एक क्लर्क है, प्लेंटिव इज अ क्लर्क, ठीक है, एक क्लर्क है, डिफेंडेंट की फर्म है उसमें एक क्लर्क है, प्लेंटिफ फर्म के अंदर एक प्लेंटिफ जो एक क्लर्क है। अब इनके बीच में एक एग्रीमेंट हुआ, प्लेंटिफ और यानी क्लर्क और फर्म के बीच में एक एग्रीमेंट होता है, क्लर्क और फर्म के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ दैट इसको फिक्स सैलरी, क्लर्क को फिक्स सैलरी दी जाएगी, पर मंथ फिक्स सैलरी मिलेगी और 1/8 शेयर इसको मिलेगा प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, बिजनेस से जो भी प्रॉफिट होगा वो मिलेगा, और ही विल ऑल्सो बियर द लॉसेस, लॉसेस भी बियर करेगा, ठीक है, प्रॉफिट भी बियर करेगा, प्रॉफिट लेगा 1/3 और लॉसेस भी बियर करेगा, अगर लिखा नहीं है तो 1/8 लॉसेस ही भी होते हैं, अगर लिखा नहीं है तो प्रॉफिट जितना है उतना ही उसको लॉस भी बेयर करना पड़ता है पार्टनरशिप में, ठीक है, अगर नहीं लिखा है लॉस के बारे में इक्वल होता है, अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है भैया आप प्रॉफिट लेंगे 1/8 लॉस लेंगे 1/4 ऐसा हो सकता है, बट नहीं लिखा तो इक्वल होता है। और इस बात पे जब इसको ऐसा एक ल्यूक्रेटिव ऑफर नजर आया, क्लर्क को जब एक ल्यूक्रेटिव ऑफर नजर आया, ही वॉज एग्रीड, क्लर्क सहमत हो गया, ठीक है मैं भी पैसा लगाऊंगा, मैं £1500 लगाऊंगा, £1500 लगाऊंगा बिजनेस में। और इसमें एक बात और ये भी लिख दी गई, अगर ये जाना चाहे इनका जो एग्रीमेंट है इसको खत्म भी किया जा सकता है, 4 महीने का नोटिस देंगे, दोनों में से कोई भी पार्टी 4 मंथ का नोटिस देगा, 4 मंथ का नोटिस देकर कोई भी पार्टी इस एग्रीमेंट को खारिज कर सकता है, ठीक है। अब आप मुझे बताइए क्या ये पार्टनरशिप है या नहीं है, क्या ये पार्टनरशिप है या नहीं है? Yes, sir, it is a partnership. थोड़ा सा देखिए, जोर लगाइए, सोइए मत, जागिए। नो सर। कोई कह रहा है नो, किसी ने कहा यस, जिसने यस का जल्दी से बता दीजिए, जिसने नो का वो भी बता दीजिए जल्दी क्विकली। $1500 फिक्स सैलरी है, 1/6 प्रॉफिट, लॉस, 4 महीने का नोटिस,
और सर एग्रीमेंट को रेपुडेट करने की भी पावर देती है उसको टर्मिनेट करने की भी। ठीक है, चलो अच्छी बात है। पार्टनरशिप किसने कह दिया पार्टनरशिप है। लेकिन अभी आपने आधे फैक्ट्स जानने हैं, थोड़े से फैक्ट्स और मैं ऐड कर देता हूँ, अब आप बताना कि पार्टनरशिप है नहीं। ये जो क्लर्क है हमेशा सर्वेंट की तरह से ही काम करता रहा, इतनी चीजें देने के बाद, इतने इसके राइट्स और लाइबिलिटीज देने के बाद भी सर्वेंट ही रहा। इसको किस क्लर्क को कभी भी, जब ये प्लेंटी फ्लो जो डिफेंडेंट थी, डिफेंडेंट फर्म जो थी, जब भी क्लाइंट से डील करते थे तो इसको कभी सामने नहीं आने दिया, ठीक है, कस्टमर के साथ कभी भी इंट्रोड्यूस नहीं कराया कि भाई ये हमारा पार्टनर है। और जब ये इसकी सर्विसेज से डिससेटिस्फाइड हो गए, क्लर्क से डिससेटिस्फाइड हो गए, भाई तेरे से मजा नहीं आ रहा तेरे से काम लेने में, डिससेटिस्फाइड द फंक्शन ऑफ द क्लर्क, अल्टीमेटली इन्होंने नोटिस देके इसको टर्मिनेट कर दिया। नाउ अब बताइए क्या ये पार्टनर है या नहीं है? नो नो सर, नहीं है ये पार्टनर रीजन सर। रीजन की जो अदर पार्टनर्स थे उस उन्होंने बाकी क्लाइंट के सामने इस क्लर्क को एज अ पार्टनर इंट्रोड्यूस नहीं किया। मानसी मैम याद आ रही हैं? लेकिन सर डोरमेंट पार्टनर भी तो कहलाया जा सकता है फिर उसको, क्योंकि उसने पैसा तो इन्वेस्ट किया है, लॉसेस ले रहा है, प्रॉफिट भी ले रहा लेकिन है। फिर ऐसा होता है ना, वो किसी और कैपेसिटी में भी काम नहीं करता फिर तो वो पर्सन, लेकिन वो एक सर्वेंट की कैपेसिटी में भी काम कर रहा है ना, वहां प्रेजेंट रहते हुए भी। ये गवर्नमेंट इंसान तो फिर क्लर्क है, ये क्लर्क ही रहेगा, ये सर्वेंट है, सर्वेंट ही रहेगा। इसको अगर पार्टनर बनना है ना तो डेफिनेटली इसका रोल है ना मैनेजमेंट पे आना चाहिए। क्लाइंट है, डील कर रहा है, डिसीजन मेकिंग ले रहा है, म्यूचुअल एजेंसी है, लॉस तो ये शेयर कर रहा है, प्रॉफिट भी कर रहा है, शेयर भी कर रहा है। लेकिन कोर्ट ने ये कहा कि भाई ये तो क्लर्क की कैपेसिटी में काम कर रहा है, सर्वेंट की तरह ऐसा ही काम करता रहा, कभी पार्टनर ना बनने की कोशिश। पार्टनर एक डोमिनेटिंग पोजीशन होता है, क्लर्क होता है, क्लर्क तो क्लर्क ही रह रहा है। मैंने आपको ये भी लिखा ना, सर्वेंट की तरीके से काम करता रहा, ठीक है। तो कोर्ट ने, अब हुआ क्या था इस केस में, जब ये क्लर्क था, जब इसकी सर्विसेज को खत्म कर दिया गया नोटिस वोटिस देकर 4 महीने का, ये क्लर्क पहुंच गया भैया कोर्ट में, तो क्लर्क प्लेंटिफ है, क्लर्क पहुंच गया कोर्ट में, भैया मेरे को तो, हम तो पार्टनर थे, कैसे हटा दिया कोर्ट, क्योंकि क्लर्क ने क्या करा, भैया अच्छा ठीक है पार्टनर को हटा रहे हो आप, पार्टनर को हटा दिए तो भैया किसने मांगा डिसोल्यूशन, भैया फर्म को डिसोल्व किया जाए, डिसोल्यूशन बाय द कोर्ट, और सारा अकाउंट सारा साझा किया जाए, मेरे को पेमेंट की जाए एज अ पार्टनर। तभी तो कोर्ट ढूंढेगी भैया तो पार्टनर है भी या नहीं है। तो कोर्ट ने ढूंढा, कोर्ट ने देखा कि भैया ये पार्टनर है या नहीं है। कोर्ट ने पहले कहा कि, कोर्ट ने अल्टीमेटली एग्रीमेंट को कंसिडरेशन, एग्रीमेंट देखा, सारे फैक्ट्स देखे, सरकमस्टेंसेस देखे, इसमें ये देखा गया, फैक्ट्स को जब देखा तो इसमें देखा कोर्ट ने, भैया कभी भी किसी भी टाइम पे क्लर्क को एज अ पार्टनर तो ट्रीट ही नहीं किया गया है, इज नेवर बीन ट्रीटेड एज अ पार्टनर, वो हमेशा सर्वेंट ही रहा और सर्वेंट के तरीके से ट्रीट हुआ, वो खुद भी नहीं पार्टनर बनना के तरीके से अपने आपका उसने रोल निभाया, ठीक है। चाहे ये प्रॉफिट और लॉस है, माना कि प्रॉफिट और लॉस यहाँ पे नजर आ रहा है, विच इज अ एविडेंट, जो प्रैमा फैसी एविडेंस होता है, प्रैमा फैसी एविडेंस होता है कि पार्टनरशिप, कोर्ट ने मना कर दिया पार्टनरशिप नहीं है, तो कोर्ट ने कहा भैया इंटेंशन ऑफ द पार्टीज देखना पड़ता है कि पार्टीज के इंटेंशन क्या है, क्या तुम पार्टनर हो भी या नहीं हो, कहने से पार्टनर नहीं बन जाता, इज दैट क्लियर? हाँ जी, अरे जल्दी बोलो, ये यस सर। सुनो, 2 पॉइंट और हैं अभी, छोटे छोटे से हैं। चलो कमन, थर्ड पॉइंट देख लेते हैं। तो आपको ना रीजनिंग सीखनी है, आपको रट्टे नहीं मान रहे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हर एक क्वेश्चन ठीक होगा, और यही बल गलती होती है, हम एक दो नंबर से रह जाते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि हम कहाँ रट्टे मार लेते हैं। विडो और चाइल्ड, विडो और चाइल्ड ऑफ डिसीज पार्टनर, जो मर चुका है पार्टनर, उसके बीवी बच्चे क्या पार्टनर होंगे? आंसर इज नो, पार्टनर नहीं होंगे वो, इनको एन्यूटी मिलती है। एन्यूटी मिलने का, एन्यूटी मिलने का मतलब ये नहीं है कि पार्टनर हो गए, बट हाँ विडो और चाइल्ड दोनों चाहें तो एक नया एग्रीमेंट करेंगे, उसमें वो पार्टनर बन सकते हैं।
उसमें वो पार्टनर बन सकते हैं, कोई कानून नहीं रोकता। एक विडो भी पार्टनर हो सकती है अपने हस्बैंड के मरने के बाद, क्योंकि अभी तक तो इसको प्रॉफिट ऑफ बिजनेस से एन्यूटी मिल रही थी, बट क्या पता ये विडो पार्टनर बनना चाहे। तो अगर ये पार्टनर बनना चाहती है तो शी हैज टू कम इन अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट, न्यू एग्रीमेंट करना पड़ेगा। और चाइल्ड अगर बनना चाहे भैया, ये तो माइनर होगा, ये माइनर होगा तो क्या पार्टनर हो सकता? आंसर इज नो, ही कैन ओनली बी अ बेनिफिशरी, ही कैन ओनली बी अ बेनिफिशरी अप टू द एज ऑफ 18। 18 तक ये बेनिफिशरी होता है, ये पार्टनर नहीं होता। लोग गलत पढ़ाते हैं। अब आप कहोगे सर इससे इतने हजारों करोड़ों लोग, ये बिल्कुल गलत बात है। कॉन्सेप्ट को समझना है तो बिल्कुल बारीकियों में जाना पड़ेगा। माइनर कैन नेवर बी अ पार्टनर, ही कैन ओनली बी अ बेनिफिशियरी। नहीं तो आप मुझे प्रूफ कर देना, ठीक है? ध्यान रखना, सेक्शन 13 को पढ़ लेना चाहे। माइनर कैन नेवर बी अ पार्टनर, ही कैन ओनली बी अ बेनिफिशियरी। और लेकिन 18 के बाद, इसके बाद ऑप्शन है, चूज करे भैया पार्टनर बनना चाहे ना बनना चाहे, दोनों ऑप्शन है इसके पास। मना भी कर सकता, यस भी कर सकता, हाँ भी कर सकता, ना भी कर सकता। यस करता है तो नोटिस देने वाली बात भी वो हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है? 6 महीने का नोटिस देगा। यस करेगा तो पुरानी लायबिलिटी रेट्रोस्पेक्टिव अप्लाई हो जाएंगी, ना करेगा तो ज्यादा फायदे में रहेगा अगर कोई पीछे के ड्यूज नहीं है तो। 6 महीने का नोटिस, विद इन 6 मंथ, 6 महीने का नहीं, विद इन 6 मंथ नोटिस देना पड़ेगा। नहीं देता तो ऑटोमेटिकली पार्टनर बन जाएगा। ओके, एक केस कर लेता हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट केस है, विडो और चाइल्ड को लेकर। एक केस है हॉल वर्सेस हैमंड, HOLME, हॉल वर्सेस हैमंड, HAMMOND, हैमंड, 1872 का केस है। अब इस केस में क्या थे, 5 पार्टनर्स थे, 5 पार्टनर्स थे और 7 साल तक के लिए पार्टनरशिप थी, पार्टनरशिप फॉर 7 ईयर्स। इन 5 पार्टनर में से एक पार्टनर मर जाता है और इसके मरने के बाद पता चार, और इन 4 पार्टनरों ने वाइफ को, विडो को और चाइल्ड को एन्यूटी देते रहे, एन्यूटी दी, क्योंकि ऐसा इनके एग्रीमेंट में लिखा था। इनके एग्रीमेंट में लिखा था हमारे में से कोई भी मरता है तो उनके बीवी बच्चों को एन्यूटी जाएगी, ठीक है? दैट वॉज इन दैट कॉन्ट्रैक्ट। जो प्रॉफिट होता रहा ये पे करते रहे, ठीक है? बट बाद में क्या हुआ, जब लॉस की बात आई, तो अल्टीमेटली इन 4 पार्टनर ने कहा भैया इनको प्रॉफिट मिल रहा था तो अब जब हमें लॉस हो रहा है तो लॉस भी बेयर करेंगे, लॉस भी बेयर करेंगे। और लेकिन ये जो वाइफ और चाइल्ड जो थे बिजनेस में पार्टिसिपेट नहीं करते थे, दे वर ओनली गेटिंग द एन्यूटी। और ये लिखा हुआ भी था कि इनको 1/5 शेयर मिलता रहा, इनको 1/5 शेयर ऑफ द प्रॉफिट मिलता रहा जब से उसकी डेथ हुई थी, इनके हस्बैंड की या फिर फादर की। अब प्लेंटिव यानी इन्होंने सू कर दिया, 4 पार्टनर्स ने सू कर दिया इनको, विडो को और चाइल्ड को, किस लिए? कि भैया अब हमारे को लॉस जो है वो भी तो आप बेयर करिए। मामला कोर्ट में पहुंचा, कोर्ट ने देखा क्या ये पार्टनर है, आप मुझे बताइए क्या पार्टनर है ये, वाइफ और चिल्ड्रन, विडो और नो चिल्ड्रन। नो कोर्ट ने ये कहा भैया ये तो पार्टनर है ही नहीं। उन्होंने कहा भैया कौन, अगर विडो और चाइल्ड रिसीविंग अ प्रॉफिट, इट डजंट मीन दे आर पार्टनर। अगर आप पार्टनरशिप में आने चाहते हैं तो दे मस्ट बी एग्रीमेंट होना चाहिए था। क्या आपने एग्रीमेंट किया? नहीं जी, एग्रीमेंट नहीं हुआ तो आप क्यों इनको पैसा मांग रहे हैं? कैन दी विडो और चाइल्ड इज लायबल टू पे लॉसेस? नो no. नहीं होगा, ठीक है? कुछ नहीं पे करना पड़ा, क्योंकि यहां पर ये तो कोई एविडेंस भी नहीं है कि भैया ये पार्टनर बना दिए गए। बिल्कुल बन सकते हैं पार्टनर, पर इनके पास कोई एविडेंस नहीं था, देयर वाज नो एग्रीमेंट लेटर ऑन।
पार्टनर के मरने के बाद अगर वाइफ विडो जो होती है वो एग्रीमेंट में आ जाती है, पार्टनरशिप कर लेती है, देन ऑफ कोर्स शी कुड बी लायबल, बट नॉट इन दैट केस। आई होप इट इज क्लियर नाउ। हाँ जी जल्दी बताइए, ये सुनो, यस सर। लास्ट केस कर लेते हैं, सेलर ऑफ द गुडविल। सेलर ऑफ गुडविल, जब वो इंसान को अपनी गुडविल छोड़ के जाता है, पार्टनर है जा रहे हैं भैया गुडविल में इसी पार्टनर को बेच जाता हूं, तो क्या वो प्रॉफ पार्टनर होगा? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। अब एक केस कर लेते हैं, या कई बार क्या होता है, जैसे अब जो इंसान गुडविल बेचता है, ऑफिस बिजनेस इज समथिंग ग्रांटेड बाय द बायर द बेनिफिट, तो जो खरीदार होता है ना, बायर यानी प्रीवियस ओनर जो होंगे, अगर दो छोड़ के जा रहा है, एक ने जो प्रीवियस बायर है, प्रीवियस ओनर है, उसने अगर गुडविल खरीद ली है बिजनेस की, एक बिजनेस एक्स वाई जेड फर्म है, इसका नाम बहुत अच्छा हो गया है, अब पार्टनर जा रहा है, तो पार्टनर जाते जाते गुडविल बेच देता है प्रीवियस ओनर को ही, और प्रीवियस ओनर ये कहता है, गुडविल जब खरीदता है तो गुडविल खरीदता है, उसके बाद जो प्रॉफिट होता है वो शेयर करता है कि भैया नाम मिल रहा है तो प्रॉफिट होगा तो मैं आपको शेयर कर दूंगा, तो क्या ये पार्टनर बन जाएगा? आंसर इज नो। एक लीडिंग केस कर लेते हैं, केस था प्रैट वर्सेस ट्रिक, प्रैट वर्सेस ट्रिक 1932। केस में क्या था, एक डॉक्टर था, डॉक्टर ने अपना गुडविल बेचा, सोल्ड इज गुडविल, भाई किसी का नाम है तो हर कोई लेना चाहेगा ना कि मुझे मिल जाए गुडविल मिल जाए, और जब उसने गुडविल बेची तो उसने एक एग्रीमेंट और किया, एग्रीमेंट किस चीज का था कि भैया विद द बायर जो खरीदार थे, के जो भी बायर थे ना जिन्होंने गुडविल खरीदी थी, वो हेल्प करेंगे किस चीज में, डॉक्टर की हेल्प करेंगे यानी सेलर की हेल्प करेंगे जो बेच के जा रहा है गुडविल, किस चीज में हेल्प करेंगे कि कम से कम 3 महीने तक आप मुझे पेशेंट देंगे, 3 महीने तक आप अपने पेशेंट मुझे देंगे, पहली बात इंट्रोड्यूस कराएंगे, ठीक है, पेशेंट इंट्रोड्यूस कराएंगे, यानी तीन, मैं गुडविल तो दे रहा हूं लेकिन 3 महीने तक आप मुझे पेशेंट देंगे, और इसको ये भी कहा गया भाई मैं गुडविल तो दे रहा हूं लेकिन आप मुझे आधा प्रॉफिट जो आपको होगा, हाफ प्रॉफिट आप मुझे देंगे, हाफ प्रॉफिट देंगे आप मुझे, और मेरे आधे खर्चे भी उठाएंगे, हाफ एक्सपेंसेस भी उठाएंगे, गुडविल दे रहा, ऑफ कोर्स ऐसे टर्म्स एंड कंडीशन हो सकती है, इट इज अ रीजनेबल, बट क्या ये पार्टनर है, क्या डॉक्टर पार्टनर है, इतना कुछ ले रहा है ये जिसको अपनी गुडविल बेच रहा है, जिसको अपनी गुडविल बेच रहा है इतना कुछ ले रहा है, उससे 3 महीने तक पेशेंट भी ले रहा है, आधा प्रॉफिट भी ले रहा है, खर्चे भी ले रहा है, क्या डॉक्टर पार्टनर है? Sir, if it is all the consideration for the sale of goodwill, then no, he is not the partner. तो इस केस में अगर आप इलस्ट्रेशन इसको पढ़ेंगे डी को, तो सेलर ऑफ द गुडविल इज नॉट अ पार्टनर, इवन इफ इज रिसीविंग एनी प्रॉफिट आउट ऑफ द बिजनेस, बिजनेस से कोई प्रॉफिट भी मिल रहा है ना उसको, तो पार्टनर नहीं होगा। एक बात बताओ, मैकडी तो बहुत सारे हैं ना, कई सारे मैकडी खुले हुए हैं दिल्ली में, मैकडी के जो फ्रेंचाइजी लेते हैं, जिसने फ्रेंचाइजी ली है मैकडी, आपने सीटी में देखा होगा मैकडी है, तो मैकडी और ये जो मैकडी का जो मेन हेड ऑफिस है, क्या ये पार्टनर है जिन्होंने इसको फ्रेंचाइजी दी है? यहां से भी तो प्रॉफिट जाता होगा ना इसको मैकडी वाले को, क्या ये फ्रेंचाइजी जो इसने दी है, क्या ये पार्टनर है? ये वाला सीपी का मैकडी और ये जहाँ पे इसका मेन ऑफिस है सपोज करो लंदन में, क्या ये पार्टनर है? आर दे पार्टनर? नो तो फिर क्या है, फ्रेंच इन्होंने सिर्फ गुडविल बेची है, सिर्फ गुडविल बेची है, ठीक है, तो ये फ्रेंचाइजी है, पार्टनर नहीं है। पार्टनर कौन होंगे? सीपी के अंदर इतनी महंगी जगह पे प्रॉपर्टी ले रखी है, इतनी महंगी जगह पे आप सीपी में कितना बड़ा मैकडोनल्ड चला रहे हैं, उसमें ऐसा तो नहीं, क्या पता एक आदमी हो, क्या पता दो आदमी मिलके चला रहे हो, तीन, जहां पे दो से ज्यादा लोग मिलके चला रहे होंगे वो पार्टनर होंगे, ये पार्टनर नहीं है, इज नॉट अ पार्टनर, इज ओनली गिवन हिज नेम, नाम ही दिया उसने, बस नाम देना पार्टनर नहीं होता।
लेकिन अगर किसी ने नाम दिया, आपने कॉन्ट्रैक्ट में लिखा मैं सिर्फ नाम दूंगा तब भी मैं पार्टनर हूंगा और उससे प्रॉफिट में लूंगा, अल्टीमेटली क्या होगा कोर्ट को देखना पड़ेगा भैया तू पार्टनर है भी है नहीं है, समझ में आ गई बात, अल्टीमेटली तो कोर्ट के पास जाएगी ना बात, कोर्ट देखे कि भाई तू पार्टनर है भी है नहीं, क्या तेरे नाम देने से तू पार्टनर बन जाएगा, आर यू शेयरिंग द म्यूचुअल एजेंसी और नॉट, दैट इज अ रियल टेस्ट, इज दैट क्लियर? यस सर. सेक्शन 5 एंड 6 इज ओवर, 4 इज ओवर, 7 छोटा सा है पार्टनरशिप एट विल, बट मैं इसमें बात करूंगा लेकिन नेक्स्ट क्लास में करूंगा, पार्टनरशिप एट विल जब मन करे जब चले जाओ, लेकिन कुछ एक दो छोटे मोटे केस लॉ से मैं बाद में बात करूंगा, पार्टनरशिप पर्टिकुलर पार्टनरशिप, पर्टिकुलर पार्टनरशिप एक एडवेंचर के लिए हो सकता है, एक अंडरटेकिंग के लिए, हमने रोड बनाया, रोड बन गया, पार्टनरशिप खत्म, हमने हम दो पार्टनर थे, हमारा कॉन्ट्रैक्ट था कि हम रोड बनाएंगे, रोड बन गया, पार्टनरशिप खत्म, दैट इज फॉर द पर्टिकुलर एडवेंचर, पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए भी हो सकते हैं पार्टनरशिप, 5 साल तक पार्टनर रहेंगे, हाँ जी बिल्कुल 5 साल तक पार्टनर रहेंगे, अच्छा रोड बनाने वाले में पर्टिकुलर एडवेंचर, रोड कितने साल में बनेगा, 2 साल में बन सकता है, 3 में बन सकता है, जब तक रोड नहीं बनेगा तब तक पार्टनर है, एडवेंचर पर्टिकुलर एडवेंचर, बट अगर टाइम पीरियड की बात करिए 5 साल में रोड बने ना बने, 5 साल तो है तो एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए पार्टनर होंगे, इज दैट क्लियर? लेट्स वाइंड अप द क्लास और हम मिलेंगे मंडे को,